जी हाँ प्यारे बच्चों, पता नहीं ये कैसा बंधन है इस चैप्टर का और एग्जामिनर के साथ कि अभी 2023-24 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर नहीं, दो नंबर नहीं, 10 नंबर नहीं, 15 नंबर नहीं, पूरे 45 नंबर। जी हाँ, पेपर का समझ सकते हो 45% जो क्वेश्चन है ना वो यही से पूछा गया है इसी चैप्टर से। आप देख सकते हो यहाँ पर देख रहे हो ये क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पर देखो, अभी हम आपको दिखाने वाले पूरा का पूरा ये अनुत्क्रमणी अभी किया। पूरा पेपर आप देख लो, इस पेपर को आप पूरा देख सकते हो। यहाँ पर पीएच मान पूछा है। यहाँ पर आप देखो बफर विलयन सम एंड प्रभाव, यानी कि पूरा पूरा पेपर अगर आपने गौर करोगे, पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा पूरा 45 नंबर इसी चैप्टर से पूछा गया, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। चिंता मत करें, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, आरबीसीएससी बोर्ड हो, आप सीजी बोर्ड हो, तो प्यारे बच्चों आप किसी बोर्ड से हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में नोट्स एवं पीडीएफ के साथ क्लास 11 के इस चैप्टर साम्यवस्था का समाप्ति करने वाले हैं। दोस्तों पूरा पूरा वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं, एक ही वीडियो में दोस्तों आपका पूरा पूरा ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे भी आपके कवर हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपसे छूट नहीं पाएगा, मेरा 100% गारंटी इसकी है। में से 100 लाने में फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। पेन कॉपी के साथ फुल डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, हर एक चीज आपको डीप में जाकर अच्छी तरीके से फील कराया गया, कुछ भी रट्टा नहीं मराया गया है। प्यारे बच्चों ओके, मजे के साथ पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है आपको पूरे चैप्टर में। तो सभी बच्चों के साथ प्यारे बच्चों अभी अपने दोस्तों, अपने जिस बच्चों को आप जानते हो उसको वीडियो को शेयर करो ओके, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ठोक देना इस पूरे मेहनत के लिए हमारे ओके। बस यही आपसे से मोटिवेशन मिलता है हमें। लगातार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साम्यवस्था ये इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर फिनिश कर देते हैं। बताते हैं यानी कि पहले हम पूरे इस वीडियो में 1 से 1.5 घंटे की होगी उसमें हम पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले, पूरा कवर हो जाएगा चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साम्यावस्था क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझेंगे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद केसी का मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इस पर केपी के बारे में समझेंगे ओके, रिलेशन को हम निकालेंगे दोस्तों, केपी एवं केसी में कैसे रिलेशन निकाला जाता है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ओके। इसको देखेंगे, आपका शुरू होगा लास्ट शीतले का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर साल आता है वो हम देखने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम लास्ट शीतले संबंधित, चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पर तो शुरू होगा वैद्युत अवघट के बारे में ओके, जिसमें हम वियोजन की मात्रा को समझेंगे, ऑस्टेल का नियम को समझेंगे, और अम्ल एवं क्षार के बारे में कंप्लीट एक ही इसी में समझेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पीएच मान कैसे निकालते ये देखेंगे ओके। फिर साम आयन प्रभाव विलेयता गुणनफल के साथ इस चैप्टर का यहाँ पर अंत हो जाएगा, वन शॉट चैप्टर का ओके। तो चलिए बिना का टाइम वेस्ट करते हुए साम्यावस्था से शुरू कर देते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक आप जरूर कर दिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी आपको कर देना है ओके। सबसे पहले तो हमें समझना है साम्यावस्था है क्या, और साम्यावस्था को समझने से पहले आपको दो अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही आसान अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, जी हाँ जी अभिक्रिया दोस्तों, वो अभिक्रिया हमारी क्या है, डायरेक्शन के बेस पर हमने बनाई हुई है, आपके बुक में भी दिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है उन अभिक्रिया के बारे में, तो उन्हें हम देख लेते हैं। जो कि किस पे आधारित है दोस्तों, दिशा की पर आधारित है। वैसे अभिक्रिया तो कई सारी होती है लेकिन दिशा के आधार पर दोस्तों अभिक्रिया को बांटा क्या है दो प्रकार में। पहला दोस्तों आपका क्या है, का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरा है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया ओके। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब कि जो क्या हो, आगे तो जाए लेकिन पीछे भी आ जाए दोस्तों। रिवर्स मतलब कि ऐसे गया आ भी गया, ऐसे गया आ भी गया, इसी को रिवर्स बोलते हैं ना, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जो दोस्तों दोनों दिशाओं में चल सकती है, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी कि भाई ये जाती है लेकिन आती नहीं है, तो ये बात है। तो इसका भी परिभाषा सिंपल है कि वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चल सकती है, यानी कि वापस नहीं चल सकती, वापस विपरीत नहीं आ सकती, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया प्यारे बच्चों बोलते हैं, और जो दोनों दिशाओं में चलेगी उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में यहाँ पर, कि जैसे NaCl क्या है, AgCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो केवल आगे ही अभिक्रिया कर रहा है, ये वापस ऐसा नहीं है कि ये दोनों अभिक्रिया करके ये तो बना दे रहे हैं, ये उत्पाद बन जा रहा है, लेकिन यही दोनों चीज क्या कर रहे हैं, मिलकर वापस नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, यानी कि रिएक्शन पीछे नहीं आ पा रहा है, केवल आगे जा रहा है ओके।
उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि भाई साहब H2+I2 यहाँ पर मिलकर क्या बना रहे, दो एच बना रहे हैं। और देखा यह भी गया ना कि भाई ये दो एच टूट कर वापस ये क्या कर रहे हैं, वापस यही चीज बना रहे, यानी कि ये रिएक्शन आगे की ओर भी चल रहा है, ये दोनों मिलकर 2HI बना रहे। लेकिन भाई साहब उस समय 2H जो HI है वह टूट कर आपस में टूट कर भी क्या कर रहा है, H2+I2 बना सकते हैं, यानी कि रिएक्शन आगे भी जा सकता है और HI हमारा टूट कर वापस H2I2 भी बना सकता है, आगे पीछे दोनों तरफ ये रिएक्शन चल सकती है, इसे ये बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब आपके लिए साम्यावस्था को समझना और भी आसान हो गया, क्यों? क्योंकि भाई साम्यावस्था हमारी क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि वह प्रक्रम है दोस्तों, उत्क्रमणीय एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें आगे पीछे दोनों तरफ हमारी रिएक्शन होती है। ओके, तो साम्यावस्था कब आता है ना, जब किसी, साम्यावस्था का मतलब समझो, साम यानी कि समान, साम्य मतलब होता है आपका समान, ओके, और अवस्था यानी कि दोस्तों स्टेट, समान स्टेट, जब दो तरफ से आगे भी रिएक्शन चल रहा है पीछे भी रिएक्शन चल रहा है, जब दोनों दोस्तों रिएक्शन की गति क्या हो जाए ना, समान हो जाए, उसी दोस्तों अवस्था को, उसी स्थिति को, उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं ना, साम्यावस्था कहते हैं, नाम से ही पता चल गया। ओके, और ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, जैसे उदाहरण तो हमने आपको दिया ही, जैसे कि टू एच टू प्लस आई टू मिलकर क्या बना रहा है, दो एच आई बना रहा है, और यहाँ पर एच आई वापस टूट कर क्या बना दे रहा है दोस्तों, पीछे की ओर एच टू प्लस आई टू बना दे रहा है। ओके, तो जब दोनों की गति यानी कि जो आगे की ओर गति है यहाँ पर, जो इधर से इधर बन रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं प्यारे बच्चों अग्र, अग्र की गति। ओके, और जब वापस बन रहा है तो इसको हम बोल देते हैं दोस्तों प्रतीप, प्रतीप गति। ओके, प्रतीप मतलब क्या होता है, पीछे की ओर गति, इसको हम पक्ष भी बोलते हैं, प्रतीप को हम पक्ष भी बोलते हैं, यानी कि जब हमारी अग्र की गति, अग्र की दोस्तों गति प्यारे बच्चों लिखते चलिए, और पक्ष या प्रतीप की गति दोस्तों, पक्ष हम लिख देते सिंपली, बात समझे, पश्चिम की दिशा की गति दोस्तों अगर बराबर हो जाए ना अभिक्रिया की, तो उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। ये हो गया हमारा एक तरीके से। ओके, जैसे आपका एक एग्जांपल हमने लिया है जल से वाष्प बनना, जैसे जल हो गया दोस्तों, एक बीकर में अगर आपने जल रखा है प्यारे बच्चों, ओके, ये जल हमने रखा है, अगर आप इसको नीचे से इस तरह गर्म करो, यहाँ पर गर्म करो, तो आप सभी जानते कुछ देर बाद ये क्या होगा, इस तरह वाष्प में बदलने लगेगा। ओके, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर दो, यहीं पर प्लेट रख दो, आपने देखा होगा एग्जांपल अपने घरों में, जब पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं ना, तो जो वाष्प ये निकलता है ना, ये यहाँ पर पानी के बूंद में वापस बदल जाता है, ये वापस पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि एक तरफ से हमारा जल हमारा गर्म होकर वाष्प में भी बदल रहा है, और यहाँ पर अगर हमने प्लेट रख दिया प्यारे बच्चों, प्लेट लगाकर रख दिया, तो यही प्लेट के कारण जो वाष्प है ना वापस जल में बदल जा रहा है। ओके, तो ये आपने उदाहरण आपने देखा होगा डेली लाइफ में, तो ये हमारा क्या है, एक साम्यावस्था का ही उदाहरण है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है दोस्तों। ओके, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए, एक हमने ये भी देख लिया और एक हमने अभिक्रिया से भी देख लिया। अब इसका ग्राफ कई बार हम दिखा देते आपको, जैसे कि पहले तो रिएक्शन हमारा हो रहा है, एक समय बाद दोस्तों रिएक्शन, समय बीतता गया लेकिन रिएक्शन का दोस्तों जो रेट है रिएक्शन का वह दोस्तों समान रह गया, वो क्या हो गया, समान हो गया, दिख रहे हो ना, अब समान है बिल्कुल, बदल नहीं रहा है, पहले तो रिएक्शन बढ़ी लेकिन साम्यावस्था पर क्या हो गया, जब गति बराबर हो गई ना, इधर की भी गति बराबर हो गई, तो रिएक्शन दोस्तों उसका रेट क्या हो गया, समान हो गया, चाहे आप 10 घंटा बाद देखो, 5 घंटा बाद देखो, समान ही रेट है। तो ये इसका ग्राफ बनता है प्यारे बच्चों। ओके, तो साम्यावस्था को हमने समझा और हमने क्या देखा, यहाँ पर अभिक्रिया को भी देख लिया जो डायरेक्शन बेस्ड होती है, क्योंकि इसी को समझने के बाद आप समझ सकते हो साम्यावस्था को। बच्चों आप क्या हो, स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट के मन में हमेशा कोई ना कोई डाउट आना ही चाहिए। हमने आपको बताया साम्यावस्था के बारे में, जब भी कोई रिएक्शन होती है दोस्तों, ए और बी मिलकर बना रहे क्या, मान लीजिए C+D। ओके, तो ये रिएक्शन हो रही है, अगर हम इसको बोले ये उत्क्रमणीय रिएक्शन है, यानी कि ये आगे भी चलेगी पीछे भी चलेगी। अब साम्यावस्था हमने आपको बताया, साम्यावस्था क्या बताया, हर चीज़ हम देख तो रिवाइज भी करते चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे, सब कुछ यहाँ पर मजे की तरह हम सीखते चलेंगे। तो साम्यावस्था हमने आपको बताई कि साम्यावस्था कब आएगी, जब हमारा अग्र की दोस्तों गति अभिक्रिया की वह बराबर हो जाए, जब पक्ष बोलो या फिर प्रतीप बोलो, ओके, ये आप दोनों वर्ड ध्यान रखो, प्रतीप गति हमारा दोस्तों बराबर हो जाए, ठीक है, तब हमारा साम्यावस्था आ जाएगा। लेकिन बात आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये अग्र की गति एवं पश्च अभिक्रिया की गति, दोस्तों ये सभी क्या है, अभिक्रिया की गति है ना, आगे एवं पीछे की, तो ये गति हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें गति हम आखिर कैसे निकालेंगे, आखिर आपने बता तो दिया अग्र गति पश्च गति बराबर जाएगी, लेकिन ये गति हम कैसे निकालेंगे, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा काफ़ी बच्चों के दिमाइंड में। ओके, तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, कैसे निकले, जी हाँ, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, इस नियम ही द्वारा हम क्या निकालते हैं ना दोस्तों, गति
निकाल सकते हैं अभिक्रिया की, चाहे आगे की ओर पूछे गति, चाहे पीछे की ओर पूछे। दोस्तों ये गति हम कैसे निकाल सकते हैं, क्रिया का नियम देख लेते हैं क्या कहता है, तभी ना हम निकाल पाएंगे। तो ये स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कैसा भी रासायनिक अभिक्रिया हो प्यारे बच्चों, उसकी गति हमेशा अगर आपको पता करनी है तो वह क्या होगी ना, अभिकारक, अभिक्रिया में जो उपस्थित है अभिकारक उसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के दोस्तों समानुपाती होती है। ओके, आप कई बच्चों के माइंड में नहीं पता होगा सर ये अभिकारक क्या होता है, तो बेसिक से चलेंगे, अभिकारक क्या होता है, ये सक्रिय द्रव्यमान आखिर क्या होता है। चिंता मत करें, आप हमारे चैनल पे आए हो, सब कुछ आपको पता चलेगा, बस पेशेंस रखिए। तो यहाँ पर कॉपी में साइड में नोट करके आप लिख दीजिएगा कि सक्रिय द्रव्यमान के बारे में, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है सक्रिय द्रव्यमान क्या है। स्वास्थ्य नहीं होता तो हम आपको अभी आगे पेपर भी दिखाएंगे जो वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ओके, सब कुछ लेकर आए हैं आपके लिए, बस आपको लिखते चढ़ना है, पढ़ते चलना है। तो सक्रिय द्रव्यमान हमारा क्या होता है, एक तरह से ये सांद्रता होती है, जो आप सांद्रता लिखते हो ना, जैसे हमने पूछा ए का सक्रिय द्रव्यमान, तो ये क्या होगा ना, ए की सांद्रता की बात करें, ए की सांद्रता कितनी है, कितना मोल है दोस्तों, ए की सांद्रता कितनी मोल है, वही हमारा क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान। बस फर्क क्या होता है ना, अगर आप ए की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान लिख रहे हो तो इसे आप इस तरह दिखाओगे, क्या इस तरह ब्रैकेट में दोस्तों क्लोज करके दिखाओगे, लेकिन अगर दोस्तों एन ए की सक्रिय द्रव्यमान पूछा है ना, तो आप उसी तरह दिखाओगे ए की सांद्रता, लेकिन जो एन हो इसके सामने, एन हमारा कोई नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या लिख हो सकता है दोस्तों, एक हो सकता है, आधा हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ये एन कोई नंबर हो सकता है। तो अगर कोई नंबर, कोई संख्या लिखी हो ना अगर ए के साथ दोस्तों, तो उसके सक्रिय द्रव्यमान के घात में उसको लिख देते हैं, यानी कि एन उसके घात में आ जाता है। तो इस तरह सक्रिय द्रव्यमान हम निकालते हैं, आखिर ये सांद्रता ही होती है दोस्तों किसी भी तत्व या यौगिक की। ओके, तो ये हो गया सक्रिय द्रव्यमान। अब बात है अभिकारकों की, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे ए प्लस बी हमारा सी डी बनाता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया इधर की ओर हो रही है, अग्र की ओर, ये कहाँ चल रहा है, ये तीर दिखा रहा है कि यानी रिएक्शन क्या हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। तो दोस्तों जो हमारा पीछे होता है ना, रिएक्शन इधर चल रहा है तो इसके पीछे देखिए, रिएक्शन इधर चल रहा है तो इसके पीछे अगर आप देखोगे ना, तो जो आपको दिखेगा वही क्या होते हैं दोस्तों, अभिकारक होते हैं। यही क्या है दोस्तों, अभिकारक है। रिएक्शन आगे चला, इसके पीछे देखेंगे जो आपको मिलेगा वही आपका अभिकारक होता है प्यारे बच्चों, सिंपली बात। ओके, तो बस आपने समझ लिया, तो हम इस अभिक्रिया की गति लिख सकते हैं, अग्र अभिक्रिया की गति लिख सकते हैं, वहां सर लिख सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपने बताया गया सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, किसके, अभिकारकों के, यानी अभिकारक आपका ए है, बी है, इसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के दोस्तों समानुपाती होगा, यानी कि समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और सक्रिय द्रव्यमान अभिकारकों का लिखेंगे, ए का सक्रिय द्रव्यमान एवं बी का सक्रिय द्रव्यमान, क्या इनको जोड़ देंगे, नहीं, यहाँ पर लिखा है गुणनफल, यानी कि गुणा करेंगे। तो ये हो गया अग्र अभिक्रिया की गति प्यारे बच्चों। ओके, अब आइए इस समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए, इसको हटाया तो आप सभी जानते हो एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको हम K1 नाम दे देते हैं। ओके, और ए एवं बी का यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। ओके, अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये के क्या है, के तो हमारा क्या है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया ये एक स्थिरांक है, इसका नाम दे देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं, यानी कि जब अभिक्रिया का वेग आप लिख रहे हो तो उसमें आपने दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाकर जो कॉन्स्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। आप कॉपी में नोट कर लो। अब हमने आपसे पूछा, चलिए आपने अग्र अभिक्रिया की गति बता दी, लेकिन बताओ जरा पक्ष अभिक्रिया की गति क्या होगी, तो ये भी आसानी से बता सकते हैं। देखो अग्र अभिक्रिया गति इधर से इधर चल रही है, पक्ष अभिक्रिया कहाँ चलेगी दोस्तों, पीछे की ओर चलेगी, यानी कि इधर की ओर, रिएक्शन किधर चलेगा, पीछे की ओर। अब रिएक्शन इधर चल रहा है तो इसके पीछे हम देखेंगे तो ये मिलेगा हमें, रिएक्शन इधर चल रहा है इसके पीछे देखेंगे तो हमें सी एवं डी मिलेगा, तो इसकी गति हम क्या लिखेंगे, समानुपाती होगी सी के सक्रिय द्रव्यमान एवं डी के सक्रिय द्रव्यमान के। ओके, यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, नया कॉन्स्टेंट ये K1 है तो इसको K2 नाम देते हैं, एवं सी एवं डी के बराबर। ओके, अब यहाँ पर K2 वही आया आपका, लिख दीजिए वेग स्थिरांक है आपका प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अब बात आई कि साम्यावस्था पर, हम सभी जानते क्या होता है, बताइए जरा साम्यावस्था पर। सर आपने अभी बताया आपकी अग्र एवं पक्ष अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, बस फिरी किस बात की, चलिए अग्र अभिक्रिया की गति एवं पक्ष अभिक्रिया की गति को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो हमारी जो स्थिति बनेगी, जिस चीज़ का हमारा जन्म होगा वह हमारा क्या होगा, साम्यावस्था पर होगा। तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अचानक आ गया। ओके, तो देखते चलिए और मजे लेते चलिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला अभिक्रिया था अग्र अभिक्रिया, वो क्या था, K1AB, और जो हमारा पक्ष अभिक्रिया था वो K2CD था। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर। ओके, हमारे साथ पिन कॉपी लेके बैठा करिए। तो यहाँ पर पहला हम लिखेंगे K1,
दोस्तों के वन और हमारा ए एवं बी था। ओके अब इस वाले में हमारा क्या था, के टू था। और क्या करेंगे, यहाँ पर के वन है के टू है, इसको एक साथ ही करा देते, क्योंकि भाई ये भी वेग स्थिरांक है ये भी वेग स्थिरांक है, तो भाई भाई को एक साथ ला देते हैं। तो यहाँ पर के वन को रखा, ओके, और बटे में क्या रख दिया हमने, के टू को ला दिया, ठीक है। और ये वाली चीज़ों को इस वाले बहन के साथ ले आते हैं, ये इसकी बहन है, ये बहन के पास लेके आ गए। ओके तो यहाँ पर सी था और डी था, और इसी के साथ हमने क्या ला दिया दोस्तों, ये वाली चीज़ ला दी ए एवं बी प्यारे बच्चों। ओके तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, के वन अपॉन के टू प्यारे बच्चों, इसी को हमने क्या बोल दिया ना, के सी का एक नया नाम दे दिया। इन दोनों अनुपातों को, के वन के टू को हमने नया नाम दे दिया, एक नया स्थिरांक दे दिया, क्योंकि भाई ये भी स्थिरांक है ये भी स्थिरांक है, तो स्थिरांक बटे स्थिरांक एक नया स्थिरांक हमने दे दिया केसी के नाम से। और इस स्थिरांक को हमने दोस्तों कब कैलकुलेट किया, कब हमने निकाला, साम्यावस्था पर निकाला, इस स्थिरांक को हमने साम्यावस्था पर निकाला, तो इसी इसी के नाम पर इसको रख दिया गया दोस्तों, स्थिरांक का नाम साम्यावस्था स्थिरांक दोस्तों। ओके तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका नाम साम्यावस्था स्थिरांक पड़ा, और ये कैसे आया, जब हमने दो वेग स्थिरांकों को, पहला वेग स्थिरांक के वन दूसरा वेग स्थिरांक के टू को हमने जब डिवाइड किया प्यारे बच्चों। ओके यानी कि आपका केसी क्या है प्यारे बच्चों, साम्यावस्था स्थिरांक है। ओके और साम्यावस्था स्थिरांक हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, सी एवं डी की सांद्रता बटे में ए एवं बी की सांद्रता, सी एवं डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे ए एवं बी का सक्रिय द्रव्यमान प्यारे बच्चों। ओके जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक की तरह इस तरह याद रख सकते हो कि भाई आगे का सक्रिय द्रव्यमान बटे पीछे का सक्रिय द्रव्यमान। कैसे सर, देखो कोई भी अभिक्रिया होगी, कोई भी अभिक्रिया होगी, अगर आपको उसका केसी हमेशा पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जो आगे का है दोस्तों है हमारा तत्व, उनका सक्रिय द्रव्यमान आप लिखोगे, सी है एवं डी है तो सी का सक्रिय द्रव्यमान, डी का सक्रिय द्रव्यमान, और बटे में जो अभिक्रिया में पीछे आपको दिख रहा है ए एवं बी, उनका शक्ति दमान आपको लिख देना है। ओके नीचे, ओके तो ये ट्रिक से आप हमेशा याद रखो केसी का मान हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, वो क्या होता है हमारा, आगे वाली चीज का शक्ति दमान बटे पीछे वाली चीज का शक्ति दमान, हमेशा याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसी तरह आपको निकालना है। और एक बात और बता दें, अगर इस अभिक्रिया में हमने बता दो ए के साथ क्या लगा दिया, एन लगा दिया, तो क्या होगा दोस्तों, बस कुछ नहीं होगा, बस ए का शक्ति दमान लिखेंगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, इसकी पावर में एन आ जाएगा। ओके बस ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हमने आपको बता दी, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, वह वेग स्थिरांक क्या होता है, सम स्थिरांक क्या होता है, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है काफी एग्जाम में, तो देख लेते हैं। वेग स्थिरांक हमने आपको बता दिया, आपको पता है, हमने कुछ याद कराना थोड़ी ना कि सर जब भी हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो उसमें समानुपाती का चिन्ह होता है, हाँ होता है, उसी समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो हमारे जो स्थिरांक आता है ना सर, वही हमारा वेग स्थिरांक होता है। अच्छा यही हमने बताया आपको, तो लिखेंगे भी क्या, यही लिखेंगे, कुछ अलग थोड़ी नहीं लिखेंगे, जो पढ़ाया जाता है वही हम लिखते हैं कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में समानुपाती के चिन्ह को जैसा ही हम हटाते हैं तो जो कॉन्स्टेंट आ जाता है ना प्यारे बच्चों, उसी को वेग स्थिरांक कहते हैं। लेकिन साम्य स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक हम किसे बोलेंगे सर, हमने आपको बताया है, आप इसको रट्टा मत लगाने में जाओ, हमने आपको क्या बताया वो पहले देखो सर, आपने बताया कि दो हम वेग स्थिरांक लेते हैं, एक के वन एक के टू, उनको जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नया स्थिरांक आता है उसी को हम साम्यावस्था स्थिरांक बोलते हैं, तो क्या कुछ रटना है, नहीं सर वही लिख देना है कि भाई जब हम आगे की अभिक्रिया के वेग लिखे तो उसमें दोस्तों जो स्थिरांक आया के वन, जब हम पीछे की अभिक्रिया का वेग लिखे जो उसमें आया स्थिरांक के टू, इन दोनों का जब हमने अनुपात ले लिया इन वेग स्थिरांकों का, तो दोस्तों इसी अनुपात को हमने साम्य स्थिरांक कहा। ओके तो परीक्षा में अंतर पूछेगा तो अंतर लिख देना, इनके बारे में पूछेगा तो बारे में लिख देना, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने इंपॉर्टेंट लगाया है। अभी आपको पेपर का दर्शन कराएंगे, वार्षिक पेपर का, तो आप खुद लिखोगे यार क्या बात है। चलो तो अब हम दोस्तों यहां पर इस जो हमारा स्थिरांक के केसी वाला चीज हमारा खत्म होने वाला है, बस वेग स्थिरांक के बारे में दो पॉइंट हम आपको और बता दें, क्योंकि एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है कि वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वेग स्थिरांक पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या याद करना पड़ेगा, नहीं हम आपको समझाते हैं। देखो जैसे ही आप क्या करते हो, ताप बढ़ाते हो, जैसे ही आप क्या करते हो, ताप बढ़ाते हो ना, तो जो रिएक्शन का स्पीड होता है, जो रिएक्शन की स्पीड होती है दोस्तों, वह प्यारे बच्चों आपकी बढ़ जाती है। अब रिएक्शन का जब स्पीड बढ़ गया, जब गति बढ़ गया, तो हमारा दोस्तों वेग स्थिरांक का मान आप बढ़ ही जाएगा, जब गति बढ़ जाएगी रिएक्शन की ना, तो वेग स्थिरांक का मान अपने आप बढ़ जाता है। ओके तो ताप का क्या प्रभाव होता है कि ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान भी हमारा बढ़ जाता है। अब दूसरी है उत्प्रेरक का प्रभाव। ओके आप सभी को पता होगा कि जो हमारा उत्प्रेरक होता है प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक इसका हम यूज कब करते हैं,
अभिक्रिया की गति को ही बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का दोस्तों हम यूज करते हैं। जब भी हमें अभिक्रिया की गति बढ़ानी होती है तो दोस्तों उत्प्रेरक का हम यूज करते हैं। इसके यूज करने से अभिक्रिया की गति हमारी बढ़ जाती है। तो भाई हमने बताया गति बढ़ गई तो हमारा वेग स्थिरांक का मान बढ़ गया, यानी कि वेग स्थिरांक का मान उत्प्रेरक अगर आप यूज करोगे तो बढ़ जाता है। बच्चों ये दो पॉइंट आपको लिख लेने आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ये देखो अभिक्रिया लिखी हुई है, इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना है, केसी का मान लिखना है एवं केपी का मान लिखना है। वो भी के जो भी आप लिखोगे उसका मात्रक भी आपको लिखना है। तो कई बच्चों के मन में हो जाएगा डर कि अरे सर ये क्या पूछ दिया, धक धक करने लगेगा दिल में कि आपने अभी पढ़ाया ही नहीं कि केपी क्या होता है, अरे सर मात्रक कैसे निकालेंगे। तो भाई थोड़ा चिल रहो, थोड़ा शांति रखो। अभी हमने आपको क्या बताया, केसी का मान बताया ना, तो केसी का मान लिखो पहले, केपी का जब पढ़ाएंगे तो भाई केपी का भी लिख देंगे। ओके, तो पेशेंस रखो, डरने की कोई जरूरत नहीं जब हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर आइए केसी का मान लिखते हैं। तो केसी हमारा किसके बराबर हो जाएगा सर, आगे वाली अभिक्रिया, ये हमारी क्या है आगे वाली अभिक्रिया है, ये हमारी क्या है पीछे वाली अभिक्रिया है। ओके, तो केसी हमारा क्या होगा, आगे बटे पीछे, आगे वाली चीजों का सक्रिय दमन बटे पीछे वाली चीजों का सक्रिय दमन। तो आगे हमारा N2 का सक्रिय दमन घुड़े में, आगे हमारा क्या है O2 है, O2 का सक्रिय दमन सर यहाँ पर दो गुणा में, तो दो को घात में लिख दो, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है सर, अब देखो पीछे हमारा क्या है NO2 है, तो NO2 का सक्रिय दमन और जो दो इसके साथ घुड़े में है ना उसके घात में लिख दो। समझना अच्छे तरीके से, हर एक पॉइंट क्लियर करने चलना। ओके, जो घुड़े में है ना उसको नहीं लिखना है यहाँ पर, दो जो घुड़े में होता है ना वो घात में जाता है, यहाँ पर दो घुड़े में था तो O2 के साथ दो नहीं लिख देंगे, इसके घात में दो लिखेंगे। ओके क्लियर है ना, ठीक है। अब मात्रक पूछा है ना, मात्रक कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आपको क्या कर देना है ना, यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ये सांद्रता, ये जो आपकी क्या है सांद्रता ही दिखा रहा है ना, सक्रिय दमन आप जो लिख रहे हो ये क्या है सांद्रता को ही दिखा रहा है, ये भी सांद्रता है ये भी सांद्रता है। तो केसी का अगर आपको मात्रक चाहिए ना, केसी का आपको और आपको मात्रक चाहिए ना, तो इन सभी का मात्रक आप लिख दो। ये क्या है मोल, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर, जो आपका सांद्रता होता है उसका मात्रक मोल लीटर हो गया। घुड़े में यहाँ पर क्या है दोस्तों, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर का क्या है स्क्वायर है, इसको लिख दिया, और बटे में आपका क्या है मोल लीटर का फिर स्क्वायर है। ओके, मोल बटे लीटर का फिर स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर वाली चीजें कट गई, तो बचा क्या दोस्तों, मोल प्रति लीटर, यानी कि जो मात्रक हमारा क्या निकल कर आया, मोल प्रति लीटर आपका दोस्तों मात्रक भी हमने निकाल लिया। ओके, तो इस तरह आपको केसी लिखना है और मात्रक पूछे, तो हर एक टर्म का दोस्तों मोल लीटर मात्रक रख दो, जहां स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर करो, क्यूब कहीं हो रहा है तो क्यूब करो, बस आपका मात्रक आ जाएगा काटामुटी करके। अब तो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे केसी का मान पूछा है, तो केसी कैसे निकालेंगे सर, आगे बटे पीछे, आगे हमारा क्या है SO3 है, तो SO3 का सांद्रता लिख देंगे, बटे में पीछे हमारे क्या है SO2 है, तो SO2 की सांद्रता लिख देंगे, और साथ में SO2 के साथ क्या है दोस्तों O2 भी है, O2 की भी सांद्रता लिख देंगे, और इसके साथ गुणे में एक बटा दो है, तो 1/2 घात में लिख देना है प्यारे बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा केसी का मान, और इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक भी निकाल लेते हैं। मात्रक हमारा कैसे आ जाएगा, यहाँ पर SO3 है, इस सांद्रता का सभी सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर रख देंगे, तो ये हमारा मोल प्रति लीटर हमने रखा, भी आपको आएगा। तो आप देखोगे सर यहाँ पर भी मोल प्रति लीटर, यहाँ पर भी नीचे भी मोल प्रति लीटर, ये कट गया, तो बचा क्या दोस्तों आपका, आपका बचा ये 1/2 में मोल, हर चीज देखते चलो मोल बटे लीटर के पावर जो आपका क्या है दोस्तों यही है हाफ। ओके, तो इसी को ऊपर लेकर जाते, बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो घात है वह प्यारे बच्चों आपका माइनस में हो जाएगा, मोल बटे लीटर हम लिखेंगे, और ये जो घात केवल ये माइनस का हाफ हो जाएगा। ओके, बस ये हो गया इसका मात्रक भी। अब आपके सामने प्यारे बच्चों NCERT का दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा, कई सारा 5-6 है, तो इसके इसमें सभी का आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, केसी का मान निकालिए। तो क्या करना है, बस आगे की दोस्तों सक्रिय दमन बटे पीछे का सक्रिय दमन करना है। तो आप क्या करो, ये हो आपका होमवर्क है NCERT से, इन सभी 5-6 क्वेश्चन का केसी का मान आपको निकालना है, स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चन का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम देखने वाले गैसी अभिक्रिया के लिए हम केसी एवं केपी का मान कैसे निकालेंगे। क्यों सर, क्या जो वो अभिक्रिया थी वह गैसी अभिक्रिया नहीं थी? नहीं नहीं दोस्तों, गैसी अभिक्रिया में क्या होता है ना आपका, जैसे कि आपको कोई ए है
ये भी गैसीय स्टेट में होता है, बी है वह भी दोस्तों गैस में है, दोस्तों गैसीय अवस्था में, और ये दोनों मिलकर आपका सी एवं डी बनाते हैं, ये भी गैसीय अवस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति में ना आपको दोस्तों एक ही सांद्रता नहीं दी होगी, एक ही सांद्रता दोस्तों बहुत ही रेयर केस में दी होगी कि ये दोस्तों 5 मोल प्रति लीटर है, ये आपको नहीं दिया होगा दोस्तों, आपको अधिकतर दिया होगा ये गैसीय अवस्था में ना। तो गैस का हमेशा क्या देता है कि ए का दाब आपका हो गया 5 ATM, ओके, तो गैस बी का दाब हो गया 6 ATM, तो आपको क्या दिया होता है ना, अधिकतर दाब दिया होता है, ओके। तो अगर आपको दाब पता होगा तो दाब के दोस्तों सहायता से आप केपी का मान निकाल सकते हो, अगर केपी का मान आ गया ना तो केपी के मान से आप केसी का मान आसानी से निकाल सकते हो, वो हम देखने वाले कि आखिर केपी का मान क्या होता है और केपी के मान से हम केसी का मान कैसे आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी गैसीय अभिक्रिया के लिए, ओके। तो देर की इस बात की शुरू करते, बहुत ही आसान है, कोई भी रासायनिक कभी क्या हो रही है, जैसे ए प्लस बी मिलकर आपका सी एवं डी बना रहा है और ये सभी गैसीय स्टेट में है प्यारे बच्चों, ओके। अगर हम इसका केपी का मान आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे, अगर हमने आपसे केसी का मान पूछा तो आप बोलोगे सिंपली सर सही है, आसान है, हमको तो आता है, आगे हमारी चीज क्या है, सी एवं डी है, तो इसका सांद्रता लिखेंगे और इसके साथ यहाँ पर आपने गुणा में भी कुछ है, सी है एवं डी है, तो सी के साथ गुणे में सी है तो इसको सी के पावर लिख देंगे, डी के साथ गुणे में डी है तो इसके डी के साथ लिख देंगे। और बात करें सर यहाँ पर पीछे वाले की, तो पीछे में आपका ए है एवं बी है सर, और इसके साथ कुछ गुणे में है, हाँ सर, ए के साथ ए गुणे में है छोटा वाला, बी के साथ छोटा वाला बी गुणे में, तो ये हमने केपी केसी का मान लिख दिया, ओके। अगर हम आपसे पूछा कि केपी का मान बताओ, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, जहां पर भी आपको सांद्रता दिखे, जहां पर भी आप यहां पर सांद्रता लिख दे रहे हो ना, सक्रिय द्रव्यमान जो आप लिख रहे हो यहां पर सांद्रता की तरह, उसको आपको क्या लिख देना है, दाब के रूप में लिख देना है बस, ओके। दाब में कन्वर्ट जो सांद्रता है वह दाब के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने दोस्तों गैसीय अवस्था में पढ़ा है, गैसीय अवस्था में पढ़ा है प्यारे बच्चों, जो दाब हमारा होता है ना, वह दाब हमारा जो होता है वह सांद्रता सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जहां जहां सांद्रता है वहां दाब हम लिख सकते हैं, ओके। तो यहां पर दाब हम बस लिख देंगे, यानी कि जहां आप क्या लिख रहे हो, आगे वाले का सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान लिखते हो, सी का सक्रिय द्रव्यमान, डी का सक्रिय द्रव्यमान, वहां पर आपको क्या लिख देना है दोस्तों, सी का दाब एवं डी का दाब, ओके। और जो वही काम करना है, जो गुड़े में वो घाटे में जाएगा, यानी सी के पावर सी जाएगा, डी के पावर डी चला जाएगा, और बटे में पीछे वालों का दाब लिख देना है, यानी पीछे आपका ए है तो ए का दाब लिखेंगे, पीछे आपका बी है तो बी का हम दाब लिखेंगे, ओके, और इसके घाटे में आपका जो है वो आ जाएगा प्यारे बच्चों, ओके। तो इस तरह हम केसी का मान लिखते हैं, बस सक्रिय द्रव्यमान की जगह दाब हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ओके, क्योंकि दाब ही हमें दिया रहता है। तो यहाँ पर हमने केपी का मान कैसे निकाला है वो हमने देख लिया, अब हमें देखना काम करना है दोस्तों केपी एवं केसी में संबंध को निकालना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट दोस्तों टॉपिक यही है कि केपी एवं केसी में संबंध निकालिए भाई साहब, कई बार पूछा गया एग्जामों में अलग अलग सेटों में, तो हम अच्छे से इसको देखेंगे कैसे संबंध अब निकाला जाता है, कई बार कई स्कूलों में कई कोचिंगों में रटा दिया जाता है, लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे जिससे आप खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने आप याद हो जाएगा, कुछ इसमें टॉप चीज नहीं है प्यारे बच्चों, ओके, तो अच्छे से समझिएगा हमारे साथ, ओके। तो यहाँ पर आपके संबंध निकालना है, हाँ सर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो केपी हमने जब लिखा तो यहाँ पर क्या था, दाब था, हाँ सर यहाँ पर हमारा दाब हमने लिखा था, दाब हमने लिखा था सी का डी का, लेकिन जब हम केसी लिख रहे हैं ना तो केसी में यहाँ हम क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, सांद्रता लिख रहे हैं, आपने गौर किया सर, यहाँ तो हम क्या लिख रहे हैं, सांद्रता लिख रहे हैं, यानी कि अगर हमें केपी से केसी की तरफ जाना है, केपी से केसी की तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें दाब को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर दाब को सांद्रता के रूप में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमने क्या लगा यहाँ पर दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं सर दाब को हमें यहाँ पर सांद्रता के रूप में लिखना होगा, जिससे हम क्या पहुंच पाए दोस्तों, केसी के मान तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर दाब एवं सांद्रता के रूप में कैसे लिखेंगे यही हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। तो केपी एवं केसी में संबंध निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दाब एवं सांद्रता के बीच में संबंध पता करना पड़ेगा, क्या होता है भाई, इन दोनों के भाईचारा है कि बहन चारा है। तो देखो कैसे मालूम चलेगा, आदर्श गैस समीकरण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों, द्रव की अवस्था चैप्टर में सारे के सारे पांचों नियम इसी में हमने पढ़ाए थे आपको, ऐसा मत करिएगा, भूल मत जाइएगा, नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, ओके। तो अभी तक याद रखो कि आदर्श गैस समीकरण एक होता है, कैसा समीकरण होता है सर, दिखने में कैसा होता है, सुंदर की खराब, बहुत ही अच्छा समीकरण है, ये समीकरण होता है पीवी बराबर एन आर टी के बराबर, ओके, जहां पर आपका एन आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, एन होता है मोलों की संख्या, आपका जो वी होता है प्यारे बच्चों यह होता है आयतन, और याद करते चलिए, और जो आपका दोस्तों यहां पर पी होता है यही तो दाब होता है,
यही तो हमारा दाव होता है, और आर तो हमारा नियतांक होता है, आर हमारा दोस्तों गैस नियतांक होता है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर जो टी आपका लिखा है प्यारे बच्चों ये आपका दोस्तों तापमान होता है, तापमान होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें दाब एवं आयतन सांद्रता में रिलेशन चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, इस V को पहले यहाँ पर भेज दो तो आपको मिल जाएगा। कैसे, इस V को क्या करो, इस नंबर्स ऑफ मोल के नीचे लेकर आओ तो आपको खुद ही मिल जाएगा। देखो P बराबर N बटे में V हमने लिख दिया, और ये R एवं T आपका इस तरह है। ओके ठीक है सर, तो इससे क्या हो गया, देखो जिनका दिमाग थोड़ा तेज है तो वो पहचान जाएंगे सर, ये N अपॉन R हमारा कुछ नहीं लिखा है, यही तो हमारा क्या है दोस्तों, एन अपॉन जो आर लिखा हुआ है यही तो हमारा प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, यही तो हमारा क्या है, सांद्रता है, यही तो सांद्रता है। क्या आपने सांद्रता में नहीं पढ़ा है, सांद्रता के पद में कि सांद्रता में मोलरता आप पढ़ते थे, जिसमें आप कहते थे कि मोलरता आपका क्या है, नंबर्स ऑफ मोल बटे में दोस्तों विलयन का आयतन, मोलों की संख्या बटे में आयतन उसका, तो यही तो सांद्रता होती है, यानी कि दाब हमारा कुछ नहीं है दोस्तों, यह हमारा सांद्रता जो भी है किसी भी चीज की हमारी सांद्रता गुड़े में दोस्तों आर्टिक हमारा होता है प्यारे बच्चों, यही तो हमारा होता है दोस्तों, दाब एवं सांद्रता में यही संबंध है दोस्तों, जो हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया सबसे महत्वपूर्ण संबंध। ओके, बस इसी संबंध से हमें क्या मिलेगा, रिलेशन मिल जाएगा केपी एवं केसी में। कैसे सर, जहां पर केपी का मान आप लिखते हो, केपी का मान क्या है दोस्तों, आप सभी बताइए एक बार, अभी हमने लिखा था क्या है? लिखा था कि सर दाब सी का इसके पावर सी, दाब डी का इसके पावर डी, एवं दाब ए का इसके पावर ए, एवं दाब बी का सर और इसके पावर बी, आपने यही तो लिखा था, यही लिखा था, एक बार पीछे करके देख लीजिए वीडियो। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें दाब क्या चाहिए, सी का चाहिए, दाब क्या चाहिए, डी का चाहिए, दाब क्या चाहिए, ए का चाहिए, बी का चाहिए, तो ये सभी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो किसी भी चीज का अगर आपको दाब लिखना है, दाब सी का लिखना है, तो ये होगा सी की सांद्रता, सी की सांद्रता गुणे में आर टी के बराबर, बस काम खत्म। अगर आपको दाब चाहिए किसका, डी का, तो दाब डी का क्या होगा दोस्तों, डी की सांद्रता एवं आरटी के बराबर। ओके, बस अगर आप दाब चाहिए, अगर आपको ए का, तो ये क्या होगा, ए की सांद्रता गुड़े में प्यारे बच्चों आरटी के बराबर। दाब अगर आपको चाहिए पी का, बी का, तो ये क्या होगा दोस्तों, बी की सांद्रता गुड़े में आरटी के बराबर। बस इसी सब चीज को दोस्तों उठाकर, ये सब चीजें जो हमने लिखी है, इसी सब चीज को उठाकर यहाँ पर रख देना है प्यारे बच्चों, स्वाहा। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर आपके सामने, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक बार देखो क्या चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे, वैसे हमें तो पता है, लेकिन आपको थिंकिंग प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर हमें चाहिए केपी एवं केसी में संबंध, हमने ताप को तो लिख दिया सांद्रता के रूप में, हाँ लिख दिया, तो अब हमें क्या करना होगा, केसी का मान निकालने के, केसी उसमें केसी को ढूंढने के लिए हमें सी की पावर सी बनाना होगा, डी के पावर डी बनाना होगा, ए के पावर ए, बी के पावर बी बनाना होगा। तो ये कैसे हम बनाएंगे, ये हम ऐसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक गणित का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं पता हम लिख दे रहे हैं। अगर आपका दोस्तों P गुड़े में आपका Q है और इसकी पावर में दोस्तों R आपका लिखा हुआ है, P गुड़े Q के पावर R है, तो इसको हम लिख सकते हैं P के पावर R गुड़े Q के पावर R। दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों के रूप में स्प्लिट कर देते हैं, ये होता है स्प्लिट फॉर्मूला। तो यही चीज आपको क्या करना है, यहां पर भी करना है, इस सी को सी के पावर में ला दो, आर टी के पावर में सी को रख दो, यहाँ पर डी को डी के पावर में रख दो, आर टी के पावर में डी रख दो, ए को ए के पावर में ला दो, आर टी के पावर में ला दो, यहाँ पर बी को इसमें ला दो, इसमें ला दो, इस तरह आपको स्प्लिट कर देना इस फॉर्मूले की यूज कर। तो ये हो गया आपका, हमने स्प्लिट कर दिया, सी को सी के पावर में रख दिया, आर टी के पावर में रख दिया, यहाँ पर इसको भी स्प्लिट कर दिया बारी बारी से। ओके, बस केसी का मान, इसमें केसी का मान खोजने के लिए बस आप कुछ नहीं करना है, सी ए डी बी को एक तरफ कर दो, सी ए डी बी को एक तरफ कर दो, भाई भाई को एक तरफ और बहन बहन वाली चीजों को एक तरफ कर दो, बस आपका दोस्तों संबंध तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो भाई सब सी एवं डी इसको एक तरफ कर दिया, ए एवं बी को एक तरफ कर दिया, बचा आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, तो ऊपर हो गया आर टी की पावर सी प्लस डी, नीचे आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी, तो ये हो गया आर टी की पावर ए प्लस बी प्यारे बच्चों। और ये जो चीज आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, उसको गौर करिए, थोड़ा चील की नजरों से देखिए दोस्तों, ये आपका क्या लिखा हुआ है दोस्तों, केसी का मान लिखा हुआ है, और इसके साथ में इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आर टी के पावर में दोस्तों, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ए बी सी डी में से माइनस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सी प्लस डी माइनस का दोस्तों, यहां पर लिखते हैं हम ए प्लस का बी। ओके, तो ये आपका फाइनल रिलेशन निकल कर आया है, जिसे हम लिख देते हैं केसी गुड़े में दोस्तों आर टी के पावर, इतना गंदा सा लिखा हुआ है, इसको हम डेल्टा एन लिख देते हैं, और पेपर में डेल्टा एन का मान बता देते हैं भाई साहब, एग्जामिनर भाई साहब, जो डेल्टा एन का मान हमने यहाँ पर डेल्टा एन लिखा, वो सी प्लस डी माइनस का ए प्लस बी होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो एक छोटा सा डेरिवेशन था जो हमने आपको अच्छी तरीके समझाने को
कोशिश किया, यूट्यूब समझ में आया होगा। दो बार आप इसको जरूर एक बार देखिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और पेन कॉपी तो आपको लेकर ही बैठना है प्यारे बच्चों इस क्लास में, ओके। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये न्यूमेरिकल्स था। तो अब हम क्या सिंपली कर सकते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों अगर आपको केसी का मान मालूम हो दोस्तों, केसी का मान मालूम हो, तब केपी का मान आसानी से निकाल सकते हो इस संबंध का यूज करके प्यारे बच्चों, ओके। और यहाँ पर बस हमें दिक्कत क्या होगी दोस्तों, डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। और डेल्टा एन का मान जो आप देख रहे हो, ये समीकरण हमने लिखा था प्यारे बच्चों, यहाँ पर समीकरण एक बार फिर से लिख देते हैं। समीकरण हमने लिखा था ए ए प्लस बी बी, ये मिलकर क्या बना रहा है, सी कैपिटल सी प्लस डी इस ये, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा दोस्तों ये डेल्टा एन का मान है, वह दोस्तों हमारा सिंपली क्या है, यहाँ पर सी प्लस डी जो आगे की मोलों की संख्या, आगे आगे तो कोई भी रिएक्शन ऑफ डेल्टा एन का मान इस तरह आसानी से निकाल सकते हो, जो डेल्टा एन है सी एवं डी यानी कि आगे के जितने भी साइज, ये हमारा क्या आगे का रिएक्शन हम इसे कहते हैं। तो आगे में जितने अणु है, सी अणु है, डी अणु है, या सी मोल मान लो, सी डी मोल मान लो, इन मोलों की संख्या का योग, सी एवं डी को कुल मोलों की संख्या सिंपली ये घटा देना है, पीछे जो रिएक्शन है, पीछे में जितने सारे के सारे मोल है प्यारे बच्चों, उन सभी मोलों की संख्या, तो उन सभी की दोस्तों पीछे के कुल अणु या कुल मोलों की संख्या को जोड़कर घटा देना है बस दोस्तों, आगे की अणुओं की संख्या माइनस कर देना है पीछे के कुल अणुओं की संख्या के, ओके। तो ये डेल्टा एन का मान आप लिख लीजिए और ये संबंध देख लीजिए, केपी बराबर होता है केसी के पावर गुणे आरटी के पावर डेल्टा एन के, ओके ओके, ये होता है हमारा दोस्तों केपी बराबर, ओके। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन रह गया था कि केपी का मान निकालो, तो केपी हम नहीं निकाल पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि हमें केपी एवं केसी में संबंध ही नहीं पता था, ओके। तो अब हम केपी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो केपी का मान आइए हम लिख देते हैं, जो हमने पढ़ा था केपी हमारा क्या होता है, बस दाब के रूप में लिखना है, यहां पर आगे की दाबों आगे आगे जो है उनका दाब दोस्तों, दाब ऑफ एन टू दोस्तों, इसके साथ एक कूड़े में है तो भाई पावर में एक लिखो या ना लिखो बात बराबर है, जो हमारा दाब है O2 है, यहाँ पर O2 के साथ दो है तो दो लिख देंगे इसको ऊपर, बटे में यहाँ पर N2 है दोस्तों, NO2 तो दाब लिखेंगे NO2 का, ओके। और यहाँ पर दो है तो इसके पावर दो आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो गया दोस्तों KP का मान दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए। इस अभिक्रिया के भी तो आइए KP का मान इसके लिए भी लिख देते हैं, हमारे आगे हमारा कौन है SO3 है तो दाब लिखेंगे SO3 का प्यारे बच्चों, और बटे में पीछे वाले जो जो चीजें उनका दाब लिखेंगे, पीछे हमारा SO2 है इसका दाब लिखेंगे, कूड़े में पीछे हमारा O2 है तो O2 का दाब लिखेंगे, और O2 के साथ आधा देखो हाफ कूड़े में है तो हाफ से हम इसके पार में लिख देंगे, ओके। तो ये हो गया केपी का मान प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि केपी का मान आपको देखो दोनों में दिया हुआ है और आपसे पूछा है केसी का मान आपको निकालना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला हम आपको बता रहे कैसे आपको करना है, आइए देखते हैं। तो ये जो अभिक्रिया आपको दी हुई है, इस अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, आपको केपी का मान दिया हुआ है, केसी का मान आपसे यहाँ पर पूछा है कैसे निकालेंगे। जो हमारा केसी होता है प्यारे बच्चों, उसमें अगर आप आरटी के पावर आपका डेल्टा एन से गुणा करते हो तो ये आपका केपी के ही बराबर होता है, अभी भी हमने संबंध में पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है सर। तो हमें केपी मालूम है, केसी तब हमारा किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर केपी बटे में दोस्तों इस चीज़ को नीचे लेते हैं, और जो आपका लिखा हुआ है डेल्टा एन इस चीज़ को, ठीक है सर। और जो केपी है इसका मान आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का दो, ठीक है लिख दिया। और आर आर का दोस्तों जो मान होता है आपको नहीं पता होगा, गैसी समीकरण अगर आपने नहीं पढ़ा गैसी नियम, तो जो आर का मान होता है दोस्तों 0.0831 होता है प्यारे बच्चों, यानी कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे 0.0831, और जो टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 500, ओके ये रखा, और ऊपर हम डेल्टा एन का मान हमें क्या करना होगा, निकालना होगा, जो कि हमने आपको सिखाया है अभिक्रिया में। यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा एन निकालने के लिए दोस्तों आगे की कुल मोलों की संख्या, आगे की कुल मोलों की संख्या, आगे हमारा दो मोल है और यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है तो एक मोल है, तो दो प्लस एक ये हो गया, माइनस करेंगे पीछे की मोलों की संख्या से, तो पीछे आपका केवल दो ही मोल है तो दो से घटाएंगे दोस्तों, घटाने के बाद आपको मिल जाएगा वन, क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, तो वन आप यहाँ पर रख दो, उसके पावर हम क्या रखेंगे वन प्यारे बच्चों रख देंगे, बस इसको सॉल्व करना है, ये जो कैलकुलेशन आपका है ये चीज, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो प्यारे बच्चों, थोड़ा टाइम थोड़ा कम है, चीज़ें बहुत सारी है तो आप इसको सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको केसी का मान दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया, 4.33 इंटू
10 की पावर माइनस का 4, ओके। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लेकिन हम कुछ आपको बता देते हैं जिससे आप आसानी से कर लो। डेल्टा एन का मान अगर आप निकालोगे, एक बार निकालना खुद से, तो आपका दोस्तों यहाँ पर अभी 1 निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों। फिर इसी सूत्र का यूज करोगे, यहाँ पर टेम्परेचर देखो दे रखा है, टेम्परेचर है आपका 1073 केल्विन प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, और टेम्परेचर रख दो, डेल्टा एन का मान रख दो, आर का मान रख दो, केपी का मान दिया हुआ है, फिर आसानी से आप केसी का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, ओके। ये आपका होमवर्क है, ओके। और इसका जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो हम आपको बता देते हैं, सेकंड क्वेश्चन का वो आपका आएगा 1.873, ओके। तो आप मैच कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, जो कि जिसकी कोई हद नहीं है, एग्जाम से लेकर सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। सब कुछ आपको यहाँ पर ऐसे पढ़ाएंगे, आपकी सारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हो जाने वाले हैं, ओके। तो जो हमारे टॉपिक अब शुरू होने वाला है, उसका बीज हम पहले आपके दिमाग में डालते हैं, ओके। बीच क्या है दोस्तों, हुआ क्या ना, एक आपका साइंटिस्ट आया भाई साहब, साइंटिस्ट ने देखा कि यार एक नया चीज निकल कर आ गया, साम्यावस्था आ गया, अभिक्रिया हो रही है, ए बी के साथ मिल रहा है तो सी एवं डी बना रहे, और एक समय पे दोस्तों ये दोनों साम्यावस्था पे हो जा रहे हैं, साम्यावस्था पे ये दोनों क्या जा रहे हैं, एक समय पर हो जा रहे हैं, और साम्यावस्था पे दोस्तों वह दोस्तों कांस्टेंट हो जा रहा है। हमने आपको ग्राफ में भी बताया था कि साम्यावस्था पर रेट आपका नियत हो जा रहा है, रेट आपका नियत हो गया, इसका मतलब कि हमारा दोस्तों जो हमारी ए की सांद्रता है, बी की सांद्रता है, सी की सांद्रता है एवं डी की सांद्रता है, यह दोनों, ये चारों को चारों चीजें क्या है, अपरिवर्तनीय है। साम्यावस्था जब आ जाएगी तो इन दोनों, इन सभी चीजों का मान दोस्तों अपरिवर्तनीय होगा, अपरिवर्तनीय। तो साइंटिस्ट जब हमारा आया ना, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या खुजली हुआ, उसने क्या किया, यहां पर दाब बढ़ाने लगा, तो देखा क्या हो रहा है, तापमान बढ़ाने लगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों उसने सांद्रता भी बढ़ाया, यहाँ तक कि उसने सांद्रता, जो ये सब चीज़ें दोस्तों हमारी अपरिवर्तनीय, ये फिक्स है, उसने क्या किया, ए को दोस्तों अगर इसमें से ए को निकालने लगा, डी और मिलाने लगा, तापमान बढ़ाने लगा, दाब बढ़ाने लगा, जिससे सांद्रता जो साम्यावस्था हो गई ना हमारी दोस्तों प्यारे बच्चों, उस छेड़छाड़ उसने की, साम्यावस्था बेचारी हमारी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि क्यों परेशान करूं हमें, तो भाई साहब उस डिस्टर्ब हो गई, तो डिस्टर्ब होने की बात साम्यावस्था दोबारा क्या होने लगी, जब उसने इतना सब करके साम्यावस्था को छोड़ दिया, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो दोस्तों साम्यावस्था भी चलाक थी, उसने क्या किया ना, अपने आप को वापस उसी स्टेट में लाने की कोशिश की, वापस उसी स्टेट में यह आने की कोशिश की, यानी कि वापस जैसे ये थी, जैसे इसका संस्था अपरिवर्तनीय था, ये सभी कांस्टेंट था, वापस उसी दिशा में यह जाने लगी दोस्तों, जिस दिशा में दोस्तों ये जो इसने छेड़छाड़ की, उसका प्रभाव दोस्तों दूर हो जाए, ऐसी दिशा में यह साम्यावस्था आपकी जाने लगी प्यारे बच्चों। अब कंफ्यूज हो गए साइंटिस्ट कि भाई साहब जब छेड़छाड़ हम कर रहे हैं तो साम्यावस्था किस दिशा में जा रही है, क्या साम्यावस्था इधर की ओर जा रही है, क्या साम्यावस्था इधर की ओर जा रही है, आखिर ये किस दिशा में दोस्तों जाने लगी, जब हमने तापमान बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया, ए को कम करने लगे, सी को बढ़ाने लगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया प्यारे बच्चों, तो दोस्तों साम्यावस्था डिस्टर्ब हो गई, लेकिन साम्यावस्था डिस्टर्ब होने के बाद वापस उसी दिशा में जाने लगी दोस्तों, जिससे भाई साहब जो इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है दोस्तों वह दूर हो जाए, जैसे आपके साथ कोई, अगर आपको कोई मोबाइल चला रहे हैं, आपको डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, आप डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, कोई आपको परेशान करेगा, तो आप कहाँ जाओगे, प्रिंसिपल के पास जाओगे, जिससे भाई साहब आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आप वापस उस तरह हो पाओ। इस तरह साम्यावस्था को भी अगर कोई डिस्टर्ब करेगा, तापमान दाब बढ़ाएगा, संता बढ़ाएगा, तो साम्यावस्था भी उसी दिशा में जाएगी दोस्तों, जिससे यह प्रभाव आपका दोस्तों दूर हो जाए। और यही जो हमारा नियम है दोस्तों, लास्ट इतले का नियम लगाना है, ये दोस्तों हमने मजे में पढ़ लिया, लास्ट इतले का नियम जो इन्होंने 1884 में दिया था, और इन्होंने यही बताया कि यदि साम्यावस्था पर आप क्या करो, दाब ताप दाब आदि को परिवर्तित करो, तो भाई साहब साम्यावस्था दोस्तों डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होने के बाद ऐसी दिशा में वह जाएगी जहां पर प्रिंसिपल हो, नहीं, जहां पर आपका जाने से परिवर्तित हो जाएगी, उसी दिशा में जहां से दोस्तों इसका प्रभाव दूर हो जाए, जो आपने गलती की, डिस्टर्ब किया, वह वापस ना करो, ऐसी दिशा में वह जाएगी प्यारे बच्चों। आप माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा, आप सभी बहुत चला, वही क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आया था कि आखिर ये दाब ताप संता बढ़ाने पर दोस्तों साम्यावस्था पर आखिर क्या प्रभाव होगा, आखिर वह किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में भाई साहब वह जाएगी प्यारे बच्चों, ये आपको निकालना पड़ेगा, पूछा जाता है एग्जाम में यही चीज़, जो आपके दिमाग में डाउट आया कि आखिर ये किस दिशा में जाएगी सर, ये तो बताओ, तो यही चीज़ हम देखने वाले कि दाब ताप संता बढ़ाने या घटाने पर साम्यावस्था पर क्या प्रभाव होता है, किस दिशा में वह जाती है। और एग्जाम का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये चीज़, पूछा जाता है एग्जाम में, अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा कि बताओ तापमान बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया, संता कम कर दिया, घटा दिया, तो साम्यावस्था किधर जाएगी भाई, बताओ प्रिंसिपल कहाँ बैठेगा, यही चीज़ है।
तो प्यारे बच्चों बारी बारी से हम देखने वाले सभी प्रभावों को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा इस टॉपिक पे, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम उतना ही ज़्यादा आपको टाइम देने वाले हैं उस टॉपिक पर। तो यहाँ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। यहाँ पर तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में दोस्तों विस्थापित हो जाएगी। विस्थापित का मतलब है दोस्तों चली जाएगी एक तरीके से। ओके, जिस दिशा में आपका इसका प्रभाव दूर हो जाएगा, यानी कि सर तापमान अगर आपने बढ़ा दिया उसमें उष्मा अगर आपने इसको दे दी, इसका मतलब दोस्तों विस्थापन की दिशा आपकी दोस्तों उसी दिशा में जाएगी जहाँ से ये उष्मा आपकी खत्म हो जाए, जिस दिशा में दोस्तों उष्मा आपका खत्म हो जाए। ओके, अगर उष्मा खत्म हो गया तो वापस दोस्तों इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। प्यारे बच्चों तापमान बढ़ाया आपने एक तरीके से, उष्मा दी उसको कुछ 10 जूल दे दिया, 10 कैलोरी 20 कैलोरी आपने क्या कर दी, उष्मा एक तरीके से दे दी प्यारे बच्चों अभिक्रिया को, उष्मा आपने कैलोरियों में दे दी। अब दोस्तों यह उसी दिशा में दोस्तों विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में यह दोस्तों कैलोरी के जो आपने उष्मा दी है यह खत्म हो जाए, खपत हो जाए। उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया दी हुई है, पूछा है कि बताओ तापमान बढ़ा दिया तो साम्यावस्था दोस्तों किस दिशा में वह जाएगी, ये पूछा गया एग्जाम में। ओके, तो बस वही काम करना है, साम्यावस्था उसी दिशा में जाएगी जहां से उष्मा खपत हो रही हो। ओके, तो यहां पर देखो उष्मा दी हुई, हमने क्या की उष्मा दी इसको, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, ये उष्मा ही लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, उष्मा ही लिखा हुआ है, यानी यहां से देखो NO2 इतना दोस्तों उष्मा लेकर यहां से N2 प्लस O2 में टूट रहा है, NO2 दोस्तों उष्मा लेकर दोस्तों इधर की दिशा में दोस्तों N2 प्लस O2 में टूट रहा है, उष्मा की खपत किधर हो रही है, इस दिशा में हो रही है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यही हमारी क्या होगी दोस्तों, विस्थापन होगा इसी दिशा में साम्यावस्था का, यानी यहाँ पर उत्तर जो आपका होगा ना वो होगा आपका पश्च दिशा में, यह दोस्तों अभिक्रिया शिफ्ट हो जाएगी, जिसे आप प्रतिबी बोल सकते हो। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, 2 नंबर यहाँ से मिलना था आपको। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर प्लस की जगह हमने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस था दोस्तों तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जा रही थी, यहीं पर माइनस लगा दिया ना, तो इसका मतलब दोस्तों उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो उत्तर समझदार बच्चे जो होंगे वह डायरेक्ट दे देंगे सर यहाँ पर आपका दोस्तों उल्टा हो जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा, बस इतना आप ध्यान रखो। ओके ठीक है सर, अब इसको प्लस होगा तो इधर की दिशा में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो उल्टा कर देना बस। ओके, अब जो सेकेंड आपका प्रभाव है तापमान की जगह आपका दाब का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जब दाब का बढ़ाते हो दाब घटाते हो तो आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है रिएक्शन पे, ये हम देखने वाले हैं बारी बारी से। अब देखो दाब आपने बढ़ा दिया तो साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में मोलों की संख्या आपकी कम है, बस इसको याद रखो दोस्तों, ज़्यादा जहाँ पर मोलों की संख्या कम होती है वहीं आपका दाब कम होता है, क्योंकि हमने देखा था आदर्श गैस समीकरण में PV बराबर होता है NRT। ओके, यानी कि दाब आपका जो दोस्तों जहाँ पर कम होगा वहाँ पर मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो वहीं पर विस्थापित हो जाएगा हमारा दोस्तों अभिक्रिया, ताकि हमारे दाब बढ़ाया तो उसकी खपत हो जाए दोस्तों, जहाँ पर कमी है वहाँ चल जाएगा तो खपत ही हो जाएगा, एक तरीके से प्रभाव दूर हो जाएगा। सिंपल सी बातें समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे, जिन्होंने अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप बस इसको याद रखो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलों की संख्या जहाँ पर कम होगी दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वहीं शिफ्ट हो जाएगी, वहीं विस्थापित हो जाएगी। एग्जाम्पल आपको कराते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो रिएक्शन है CH4 प्लस H2O, ये मिलकर दोस्तों ये बना रहा है आपका, और यहाँ पर वही पूछा है दाब हमने अगर बढ़ा दिया तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, तो जहाँ मोलों की संख्या कम होगी उधर ही शिफ्ट होगी। यहाँ पर देखो एक मोल है, यहाँ पर एक मोल है, यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ मोल कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो एक मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल कितने हैं दोस्तों, 4 मोल है, तो दाब नंबर्स ऑफ मोल हमारे यहाँ पर कम है ना, तो अभिक्रिया हमारी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों, जी आपने बिल्कुल सही कहा सर, यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल कम है, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर पीछे की ओर, यानी कि आपका पश्च दिशा में दोस्तों अभिक्रिया शिफ्ट हो जाएगी, बस काम खत्म। जरा इस क्वेश्चन में बताओ अगर हमने आपको दाब बढ़ा दिया यहाँ पर तो अभिक्रिया कहाँ शिफ्ट होगी, तो सर यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल देखो 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल इधर 2 है, इधर भी देखो नंबर्स ऑफ मोल 2 ही दिख रहे हैं, यानी कि दोस्तों कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कहीं मोलों की संख्या कमी है ही नहीं, तो दोस्तों इस अभिक्रिया पर दाब बढ़ा दो चाहे कुछ भी कर लो, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हमने देख लिया दाब का क्या प्रभाव होता है अभिक्रिया पर। ओके, अब जो हमारा लास्ट चीज है वो है सांद्रता पर प्रभाव, ये लास्ट है एकदम, फिर लास्ट इसलिए का नियम खत्म, बाय बाय, टाटा, जय बाबा की। ओके, तो यहां पर देखिए सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता यानी कि जब आपने क्या कर दी, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया दोस्तों उस दिशा में आपकी विस्थापित होगी जिधर सांद्रता कम हो। क्यों सर, देखो साम्यावस्था पर हम सभी जानते हैं, साम्यावस्था पर हम सभी जानते हैं, हमने आपको बताया कि साम्यावस्था जब आती है तो सांद्रता
चारों हमारा बराबर होता है, सांद्रता हमारी दोस्तों कांस्टेंट होती है, सबकी कांस्टेंट होती है दोस्तों सांद्रता। लेकिन साम्यावस्था पे अगर आप सांद्रता को बढ़ा दिए, यानी कि साम्यावस्था हमारी क्या है यहाँ पर स्थिर है, यहाँ पर मान लो इस दिशा में यहाँ पर आपने सांद्रता को बढ़ा दिया दोस्तों, ओके, तो यहाँ पर सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई इधर हमारा पहले बराबर था, पहले तो हमारा बराबर था, लेकिन आपने इधर बढ़ा दिया तो इसकी अपेक्षा में ये हमारा कम हो गया। तो दोस्तों विस्थापन हमारे उसी दिशा में हो जाएगा जहाँ पर कम है, ताकि ये सांद्रता बराबर थी। आपने एक तरफ की सांद्रता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो भाई इधर की सांद्रता देखो इसकी अपेक्षा तो कम रह जाएगी, तो भाई साहब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वापस से हमारा साम्यावस्था आ जाए। यानी कि जहाँ दोस्तों सांद्रता कम थी उधर की ही दोस्तों दिशा में रिएक्शन शिफ्ट होगा, जहाँ कम थी उधर ही शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पर कम हो गई उधर ही दोस्तों शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन, बस, ओके। यानी कि अगर आपने क्या करते हैं एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, यहाँ पर देखो ये साम्यावस्था पर हमारा है, इस पर हमने क्या कर दिया दोस्तों प्रभाव बताइए, अगर हमने H2 को मिला दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया H2 को मिला दिया, एक तरह से H2 की दोस्तों हमने सांद्रता ही बढ़ा दी, H2 की सांद्रता ही बढ़ा दी, यहाँ पर हमने जो हमारा H2 है इसकी सांद्रता ही बढ़ा दी। यानी कि ये क्या है, हमारा पीछे वाला रिएक्शन है, पीछे वाला रिएक्शन ये है, आगे वाला रिएक्शन ये है, यहाँ पर हमने H2 को और मिला दिया, तो रिएक्शन की दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सांद्रता थी वह बढ़ गई, यहाँ पर कम रहेगी, यानी कि रिएक्शन इधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर हमारा आगे की ओर, यानी कि दोस्तों इस दिशा में जो शिफ्टिंग होगी वह अग्र दिशा में होगी, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस तरह एक दूसरा प्रभाव देखो, CH3OH को मिलाया, अब हमने क्या किया साम्यावस्था पर CH3OH को मिलाया, यानी कि CH3OH कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, इधर की ओर है CH3OH हो ना, हमने क्या कर दिया देखो CH3OH को मिलाया, यानी कि साम्यावस्था पर दोनों बराबर था, CH3OH यहाँ पर हमने मिलाया, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो भाई साहब संता कहाँ पर कम रहेगी, अब यहाँ पर सब कम रह गई, तो ये वाला चीज को हमें क्या करना होगा, उठाना पड़ेगा, यानी कि इधर की ओर रिएक्शन शिफ्ट होगा प्यारे बच्चों, यानी कि पीछे की ओर पश्च दिशा में, तो यहाँ पर आप क्या लिख कर आओगे एग्जाम में दोस्तों, पश्च दिशा में आपका शिफ्ट होगा प्यारे बच्चों, ओके, ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है ग वाला, सीओ को हमने हटाया, यहाँ पर रिएक्शन है, यहाँ पर सीओ इधर है, सीओ आपका इधर है, आप देखो इधर की चीज़ है, इधर की चीज़ बराबर है, यहाँ पर हमने क्या किया सीओ को हटाया, देखो हटाया मिलाया नहीं हटाया, तो सीओ पहले तो बराबर था, सीओ को हटाया तो ये क्या होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, भाई मिलाया तो बढ़ जा रहा है तो घटाएंगे, हटाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आप देखो रिएक्शन कहाँ पर कम है, सर जिधर हटाया तो यही ना कम हुआ, भाई ये तो देखो ज़्यादा है, ये हमारा कम हो गया और सांद्रता इसकी कम हो गई, तो दोस्तों रिएक्शन हमारा किधर शिफ्ट होगा, जहाँ पर सांद्रता कम है, यानी कि इधर की ओर ही हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ओके, यानी कि पश्च दिशा में यहाँ पर इसका आंसर होगा। जिन्होंने नहीं समझ में आया बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है, एक बार थोड़ा रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा इतना आप हमारा सपोर्ट करें, आपके ही लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ओके। तो जो लास्ट वाला है ना CH3OH को हटा दिया, ओके, तो यहाँ पर CH3OH आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर है CH3OH आपका इधर पर है CH3OH, इसको हमने क्या कर दिया हटा दिया, यानी कि सांद्रता कम कर दी, तो भाई साहब बताओ शिफ्ट कहाँ पर होगा अभिक्रिया, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, जिन्होंने बताया उसका हम रिप्लाई भी करेंगे सही है कि गलत है, ओके, तो पिन भी कमेंट को करेंगे, हट भी हम देंगे पहले बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर जरूर करिएगा अगर आप कर लिए हो, ओके, अभी जस्ट ओके तो यहाँ पर आपका लास्ट इतले का नियम यहाँ पर खत्म होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने लास्ट इतले के नियम से एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, देखो इतना सारा चीज़ दिया हुआ है कि दाब बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, तापमान बढ़ा दिया, बताओ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी आप जरूर सॉल्व करिएगा, कुछ करो या ना करो, ओके। समाप्त होता है लास्ट इतले का पूरा पूरा नियम। अब दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई कहानी की, अब ये जो कहानी है वह हजारों साल पुरानी है। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं मजाक कर रहे थे, मजाक नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम जो मेन बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आपका ये चैप्टर है ना एक तरह से दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट में तो हम पढ़े क्या, फर्स्ट हम सभी ने क्या पढ़ा, हम सभी ने साम्यावस्था के बारे में अच्छा से पढ़ा, बिल्कुल गहराई में जाकर केपी का मान पढ़ा क्या होता है, केसी का मान देखा, और साम्यावस्था पर दोस्तों प्रभाव के बारे में भी देखा, और इस प्रभाव को समझाने वाला कौन था, लास्ट इतले का नियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, ओके। अब जो सेकेंड पार्ट इसमें शुरू होने वाला है, सेकेंड पार्ट ओके, वो पार्ट में हम दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों जो सेकेंड पार्ट है वो आपका व्यघुत अवघट पर आधारित है, ओके। अब कई बच्चों के लिए ये सुना हुआ नाम होगा और कई बच्चों का एक्सप्रेशन इस तरह भी हो गया होगा नाम सुनते ही, बट डोंट वरी सबको जीरो से शुरू करेंगे और पूरा कंप्लीट करके ही छोदम लेंगे। तो व्यघुत अवघट के बारे में टोटल ये आधारित है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट में क्षार के बारे में पढ़ते हैं, अम्ल एवं क्षार पर जो नियम दिया गया है प्यारे बच्चों उस नियम को पढ़ते हैं, उस सिद्धांत को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एंड जो हमारा अम्ल
का पीएच मान कैसे निकालते हैं वह हम सीखते हैं इसी में, ओके। और इसी में आपका दोस्तों क्या हम पढ़ते हैं, विलयता गुणनफल के बारे में, विलयता जो गुणनफल है ना परीक्षा में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ओके। और आगे बात करें तो प्यारे बच्चों इसी में आपका सम आयन प्रभाव भी आता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ओके। तो सब कुछ हम इस सेकंड पार्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं, समझ लो 30 मिनट या 45 मिनट लगेगा इस पूरे चीजों को पढ़ने में अब आगे, ओके। तो प्यारे ये 45 मिनट का होगा, लेकिन आप कॉपी पेन लेकर बैठना, आपको भले ही 1 से 2 घंटा लगे लेकिन आप अच्छी तरीके से एक बार में कंप्लीट कर लेना, दोबारा कोई चीज ये सभी चीजें दोबारा देखने को ना पड़े, ओके। सो सबसे पहले आइए दोस्तों, आइए स्टूडेंट, आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं वैद्युत अपघट हमारी होता क्या, इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ओके। तो वे यौगिक हमारे वैद्युत अपघट कराते हैं जो जल में आपका घुलने पर पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से, कई बच्चों को नहीं पता आंशिक मतलब क्या होता है, आंशिक मतलब कि थोड़ा बहुत, पूर्णता मतलब कि पूरा, आंशिक मतलब कि थोड़ा बहुत जल में दोस्तों वियोजित हो जाते हैं, वियोजित मतलब कि टूट जाते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं वैद्युत अपघट बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो NaCl हमारा नमक का उदाहरण, इसको जैसा ही हम जल में डालते हैं प्यारे बच्चों तो ये जल में आपका दो आयन में टूट जाता है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, और ये टोटल दोस्तों 100% टूट जाता है, यानी कि अगर आपने एक मोल NaCl लिया तो बाद में जल में डालने के बाद ये पूरा का पूरा दोस्तों खत्म हो जाएगा और ये आयन में टूट जाएगा, एक मोल Na प्लस में, एक मोल Cl माइनस में। और यहाँ पर दोस्तों ये जो वियोजन होगा, जो टूटना होगा इसका, पूरा का पूरा 100% होगा फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर एक शब्द आपने देखा कि चलिए सर हमने समझ गए वैद्युत अपघट के बारे में, लेकिन ये वियोजन एक नया शब्द है, टूटना जो शब्द के बारे में, वियोजन आखिर होता क्या है, वियोजन की मात्रा क्या होती है, इसको हम देखने वाले हैं। तो जो ये वियोजन होता है टूटने की मात्रा, और इसको हम अल्फा से दिखाते हैं, कई बार आपको देखने को मिलेगा इसको हम अल्फा से दिखाते हैं, इसलिए हम अलग से आपको ये चीज बता रहे हैं। और वियोजन का सिंपल से यही अर्थ है कि भाई कितना कोई चीज टूटा, बस यही है आपको, बस यही याद रखना है प्यारे बच्चों। अब इसका डिफिनेशन एक बार एकाक दो नंबर में पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि साम्यावस्था पर किसी पदार्थ के मोलों का वह अंश दोस्तों जो वियोजित हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा बोलते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने उदाहरण आपको क्या दिया था, NaCl का दिया था कि जो NaCl है ये हमारा टूट जा रहा है तो Na प्लस बन रहा है, वह Cl माइनस बन रहा है, ओके। और इसके लिए अगर आप बात करें तो दोस्तों अल्फा का जो मान है वह 100% होता है, ये हमने आपको बताना चाहते थे, यानी कि वियोजन की मात्रा इसकी क्या है 100% है, यानी साम्यावस्था जब आएगी ना तो साम्यावस्था में ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, यानी कि एक था पूरा का पूरा एक, ये टूट जाएगा तो 0 बचेगा, और ये टूटने के बाद Na प्लस बना देगा, Cl माइनस बना देगा प्यारे बच्चों, ये पूरा पूरा 100% टूटकर खत्म हो जाएगा, ओके। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा वियोजन की मात्रा हेडिंग डालकर, कि अगर अल्फा का मान, इसी क्वेश्चन के लिए यही पूरा क्वेश्चन समझ लो कि NaCl है ये टूट रहा है, अगर हमने कह दिया अल्फा का मान आपको 50% है, अल्फा का मान 100 नहीं है, अगर हमने दे दिया क्वेश्चन में 50% है तो बताओ Na प्लस की सांद्रता कितनी होगी साम्यावस्था पर। तो कुछ नहीं करना है, NaCl आपको लेना है, साम्यावस्था पर ऐसे ऐसे चिन्ह लगा देना है, क्या बनेगा टूटने के बाद Na प्लस बनेगा Cl माइनस बनेगा। जब 100% था अल्फा का मान तो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा था, लेकिन 50% है फ्रेंड्स तो इसका मतलब है कि पूरा नहीं खत्म होगा, इसका आधा ही दोस्तों, 50 का मतलब 1/2, यानी कि इसका आधा ही दोस्तों खत्म होगा, यानी कि इस खत्म होने के बाद टोटल कितना बचेगा 1/2, ये NaCl बचेगा, और 1/2 दोस्तों गया कहाँ गया, इस NaCl को बना दिया, इतना ही NaCl बन गया, एक पूरा गया तो एक NaCl बना, अगर आधा जाएगा तो आधा आधा बन जाएगा, यानी कि साम्यावस्था पर जो Na प्लस की सांद्रता होगी वह इतना होगी दोस्तों, इतना मोल पर लीटर होगा प्यारे बच्चों, ओके। तो दोस्तों आई होप क्लियर होगा, हो गया आपका कि वियोजन अल्फा आखिर रहता क्या है। अब हम देखने वाले हैं वैद्युत अपघट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट, ओके। और वैद्युत अपघट तो आप तो पता ही है जो जल में टूटकर आयन देते हैं। दुर्बल कौन होता है दोस्तों, जो हमारा पूर्णतः नहीं टूटता है, पूरे का पूरा रूप से वियोजित नहीं होता है प्यारे बच्चों, यानी कि इनके लिए जो अल्फा का मान होता है ना वह अल्फा का मान 100% नहीं होता, पूरा का पूरा नहीं टूटता है। लेकिन जो प्रबल वैद्युत अपघट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वह नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा का पूरा ये लगभग दोस्तों पूर्ण रूप से जल में वियोजित हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ओके। इन्हें को ही हम प्रबल वैद्युत अपघट कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने NaCl आपको दिया था, Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, इसके लिए हम सीधे कह सकते हैं कि अल्फा का मान आपका क्या है 100% है, सीधे आप कहोगे क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट है। लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि भाई दुर्बल वैद्युत अपघट है, जैसे CH3COONa, ये
टूटेगा जल में, जाहिर सी बात है ये जल में टूटेगा CH3COO- माइनस में, ये Na प्लस हट जाएगा, ये माइनस वाला अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके लिए अल्फा का मान पूछे तो आप कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे भाई, दुर्बल विद्युत अपघट के लिए हम अल्फा का मान कैसे ही, तो कैसे ही बताएं, ओके, क्योंकि 100 तो होगा नहीं लेकिन कितना होगा ये हम कैसे बताएं प्यारे बच्चों। यही दोस्तों सवाल आया तो एक साइंटिस्ट हमारे आए जिन्होंने कहा कि भाई साहब रुको जरा सबर करो थोड़ा हमको दिमाग लगाने दो, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया दुर्बल विद्युत अपघट के लिए, उन्होंने एक नियम दे दिया दोस्तों, और उस नियम के आधार पर हम दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट का हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा का मान निकाल सकते हैं। और भाई साहब उन साइंटिस्ट को सच सच नमन हमारा, जिनका नाम हमारा क्या था, ओस्टवाल्ड था, और उसी ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट के दोस्तों नाम पर पड़ गया ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। इस नियम में यही बताया गया कि स्थिर ताप पर दुर्बल विद्युत अपघट अगर आप ले रहे हो ना, तो उसकी वियोजन की मात्रा अगर आपको अल्फा निकालनी है वो क्या होगा, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसी कथन को ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है नियम, ओके। इन्होंने यही कहा कि जो वियोजन की मात्रा होगी दुर्बल विद्युत अपघट, यानी दुर्बल विद्युत अपघट के लिए जो अल्फा का मान होगा वह क्या होगा, तनुता, तनुता मतलब आप समझते हो ना, तनुता मतलब कि आयतन, कितना आयतन है दुर्बल विद्युत का, कितना गया कि ये तनुता के वर्ग मूल के समानुपाती होगा, यानी कि वियोजन की मात्रा समानुपाती होगी प्यारे बच्चों। ये अल्फा का मान है, ये अल्फा है आपका, इस तरह गाढ़ा पेन से हम दिखा दे रहे हैं, और ये जो है समानुपाती का चिन्ह है, ये अल्फा जो समानुपाती होगा प्यारे बच्चों किसके, तनुता के वर्गमूल के, ओके। तो यहाँ पर अल्फा का मान अगर आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा प्यारे बच्चों, और ये वर्गमूल आपका यहाँ पर रहेगा, और यही जो की होता है ना, ये जो की होता है यहाँ पर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयनन, आयनन स्थिरांक बोलते हैं, यानी आयनन कितना हो रहा है, कितनी अच्छी से आयनीकृत हो रहा है, उसी स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, आयन स्थिरांक बोलते हैं, ओके, ठीक है। अब ये बात हुआ ओस्टवाल्ड का नियम, इसका यूज पूछा जाता है परीक्षा में कि ओस्टवाल्ड नियम का यूज क्या है, नियम पूछता है तो कभी कभी यूज भी पूछ लेता है, तो यूज भी आप नोट करते चलो कि अल्फा का मान पहले हम ज्ञात कर सकते हैं इस नियम द्वारा, हम अल्फा का मान जो हमें नहीं मिल पा रहा था वो हम निकाल सकते हैं, ओके। जहां पर ये जो नियम हमने बताया कि अल्फा समानुपाती होता है दोस्तों तनुता के वर्गमूल के, ओके, ये तनुता होती है वी, और यहां पर समानुपाती का चिन्ह जैसा ही हम हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है के, आयनन स्थिरांक, इसका मान हमें मिल जाता है, जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक के आता है, और इस के का भी मान हम निकाल सकते हैं दोस्तों इस नियम के द्वारा, ओके। तो ये दो यूज आपको नोट करने हैं, ये नियम आपको समझना है, समझ लिया अच्छी तरीके से क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, तो ये नियम हमारा यहीं पर खत्म होता है, विद्युत अपघट यहाँ पर दोस्तों क्लियर होता है। अब हम शुरू करने वाले अम्ल एवं क्षार के बारे में, उसको अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं, तो अब जो शुरू होने वाला है हमारा अम्ल तथा क्षार शुरू होने वाला है प्यारे बच्चों, और जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं यार आप सभी को तहे दिल से तो यार बस खत्म ही होने वाला है, अम्ल क्षार को पढ़ेंगे और आपका कुछ और चीज़ें उनको पढ़ेंगे, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक पहुँचा है तो आप सभी पक्का अच्छा स्कोर करने वाले एग्जाम में प्यारे बच्चों, ओके। तो पूरा ही खत्म करके ही दम लेते हैं, ओके। तो ये अम्ल एवं क्षार को भी समझ लेते हैं। अम्ल क्षार आपको पता है सर, हमें तो पता है सर, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ओके। तो 6, 7, 8, 9 की बातें भूल ना जाना, ओके, क्योंकि पहले हम पढ़ते थे जब हम छोटे थे, लेकिन अब हम क्या है क्लास 11th में है, क्लास 12th में आप पहुंचने वाले हो इसके बाद, तो अब हमें कुछ अलग परिभाषा पढ़नी पड़ेगी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार का क्या रोल होता है, उसके आधार पर किस आधार पर हम अम्ल एवं क्षार को दोस्तों अलग अलग करते हैं उसको देखना है। तो अरियनेस के सिद्धांत के दोस्तों अनुसार अम्ल एवं क्षार को समझते हैं। इस दोस्तों सिद्धांत में यही कहा गया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है कि जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन दे देते हैं, H+ आयन दे देते हैं, लेकिन क्षार वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन दोस्तों नहीं देते, ये OH- आयन देते हैं। यह किसके अनुसार हमने पढ़ा था, अरियनेस के अनुसार पढ़ा था, और ज्यादा समय नहीं लगाएंगे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम पे, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और यहाँ एग्जांपल हमने लिख दिया है, ये देखो H+ दे रहा है, यहाँ पर ये क्षार है, ये OH- दे रहा है दोस्तों जब हमने इसको जल में डाल दिया। अब जो सेकंड हमारा है, जो नया हमें पढ़ना है, वो है लारी तथा ब्रान स्टेंड की अवधारणा। इसमें कहा क्या कहा गया, इसमें बस वही कहा गया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ जिसे प्रोटोन का नाम दिया गया, H+ को ही दोस्तों यहाँ पर इस नियम में प्रोटोन का नाम दिया गया, प्रोटोन का नाम दे दिया गया प्यारे बच्चों। तो इन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन को देते हैं, क्या हमने कहा,
अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन को देते हैं, लेकिन क्षार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन को ले लेते हैं। बस ये अंतर था। अरियनस ने कहा कि क्षार वे पदार्थ है जो OH- आयन देते हैं, लेकिन लारी ब्रॉन्स्टेन की अवधारणा में कहा गया कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो दोस्तों H+ आयन या प्रोटॉन ले लेते हैं। प्यारे बच्चों बस यही थोड़ा सा अंतर था। और जैसे कि उदाहरण में हमने दिया, ये देखो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, देखो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, NaCl बनेगा। तो हुआ क्या इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में हुआ देखो, जो HCl हमारा क्या था, अम्ल था, इस अम्ल ने क्या कर दिया, अपना H+ आयन, अपना H+ आयन दोस्तों इस जो क्षार है हमारी, ये क्या है, ये क्षार है और ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है। तो अम्ल ने अपना H+ आयन दिया और क्षार ने क्या कर दिया, H+ आयन को ले लिया। तभी ना ये देखो OH था, एक H इसने ले लिया तो H2O बन गया, और यहाँ पर जो Cl था दोस्तों, HCl जो अम्ल था, उन्होंने अपना H+ आयन दिया, ये दिया, ये लिया, ये दिया और ये लिया। तो जिसने दिया वो अम्ल और जिसने ले लिया प्यारे बच्चों प्रोटॉन को, वो क्षारक है। ओके, तो ये है ब्रॉन्स्टेन एवं लारी का सिद्धांत या अवधारणा, जो कि दोस्तों एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हमने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए इस अवधारणा। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षारक के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो संयुग्मी अम्ल क्या होता है, संयुग्मी क्षारक क्या होता है, ये समझते हैं। किसी क्षारक द्वारा H+ आयन ग्रहण करने के पश्चात जो पदार्थ दोस्तों प्राप्त होता है उसको संयुग्मी अम्ल कहते हैं। लेकिन जब हमारा अम्ल द्वारा H+ आयन देने के पश्चात जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जो यौगिक हमें प्राप्त होता है, जो आयन हमें प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका संयुग्मी क्षारक हम बोलते हैं। प्यारे बच्चों आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, सर याद करा रहे हो हमें, बिल्कुल दोस्तों याद तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षारक में दोस्तों क्या होता है। सिंपल से बस क्या है, ये ट्रिक आप ले लो कम से, जिससे आपको दोस्तों ये याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, कोर इस नाम से हम ट्रिक आपको बता, जैसे अम्ल होता है हमारा एसिड, अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड। ए से हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट, ए से हमारा एक्सेप्ट, यानी कि जो हमारा एच प्लस आयन को दोस्तों एक्सेप्ट कर लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उस यौगिक का संयुग्मी अम्ल बोलेंगे, और जो रिजेक्ट कर देगा प्यारे बच्चों उसे संयुग्मी क्षारक बोलेंगे। ओके, ए से अम्ल से एसिड, ए से एक्सेप्ट, जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा वो संयुग्मी अम्ल बनाएगा, जो H+ आयन रिजेक्ट करेगा वो संयुग्मी क्षारक बनाएगा। ओके, मजा आया ना, चलो पर याद करने का भी झंझट खत्म। तो इतना पढ़ने के बाद आप देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन उड़ा सकते हो अपने आप। ओके, कैसे उड़ा सकते हो, देखो कि कोई यौगिक है, मान लो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, इस कंपाउंड का पूछा है संयुग्मी क्षारक बताओ, संयुग्मी अम्ल बताओ इसी कंपाउंड का, तो क्या करोगे। अभी पता है सर संयुग्मी अम्ल हमें कैसे मिलेगा, ए से एसिड, एसिड से एसिड की ए से एक्सेप्ट, यानी कि H+ आयन जो दोस्तों एक्सेप्ट कर लेगा H+ आयन वो संयुग्मी अम्ल बनाएगा, और जो रिजेक्ट कर देगा H+ आयन रिजेक्ट वो दोस्तों संयुग्मी क्षारक बनाएगा। यानी कि इसका हमें क्या बताना है, संयुग्मी क्षारक। तो हम क्या करेंगे, इस HF में से एक H+ निकाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा F- बनेगा प्यारे बच्चों, ये क्या संयुग्मी क्षारक है। लेकिन अगर इसी HF में एक H+ आयन एक्सेप्ट करा दे, इसको जबरदस्ती ले भाई, तो क्या बनेगा H2F+ बनेगा, तो ये संयुग्मी अम्ल बनेगा। ओके, तो इसी तरह इसमें भी करेंगे, यहाँ पर HCO3- का है, इसमें से H+ आयन निकाल देंगे तो क्या बनेगा CO3- का 2, ये क्या बनेगा, उसका संयुग्मी क्षारक बनेगा। लेकिन इसी HCO3- में आप H+ आयन एक्सेप्ट करा दोगे तो जो बनेगा संयुग्मी अम्ल बनेगा, यानी कि H2CO3 बनेगा प्यारे बच्चों। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, कितना आसान था। ओके, और परीक्षा में पूछा गया वो भी दो दो तीन तीन नंबर का, खटाक से हो जाएगा। अब दोस्तों एक खास बात हम आपको बताने वाले हैं, फिर ये संयुग्मी वाला काम आपका यहीं पर खत्म होता है प्यारे बच्चों। देखो संयुग्मी क्षारक हमसे आपसे पूछा यहाँ HCl में, तो आप क्या लिखोगे, संयुग्मी क्षारक यानी कि H+ आयन को रिजेक्ट कर देगा प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा, रिजेक्ट करने के बाद Cl- बनेगा। संयुग्मी क्षारक किसका पूछा है, तो हम क्या करेंगे, H+ आयन रिजेक्ट करा देंगे तो CH3COO- बनेगा प्यारे बच्चों। जो हम खास बात आपको बताने वाले हैं ना, वो खास बात ये है कि दोस्तों यहाँ पर अगर ये चीज़ मान लो क्या है, ये प्रबल अम्ल है, मानना का ये तो सर है ही, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ओके, तो जो हमारा इसका संयुग्मी, अगर आप संयुग्मी क्षारक की बात करोगे ना, वो आपका दुर्बल होता है, ये दुर्बल अम्ल होगा, ये खास बात अंतर है प्यारे बच्चों। जैसे ये देखो CH3CO, ये क्या है दोस्तों, आपका दुर्बल अम्ल है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है कि नहीं, हाँ सर दुर्बल अम्ल है। लेकिन इसका संयुग्मी क्षारक, संयुग्मी क्षारक निकालते हो ना, तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, प्रबल अम्ल होता है, ये आपका प्रबल अम्ल होता है, बस इसका अपोजिट होता है, ये खास बात है इसकी, कि जो चीज़ प्रबल होता है ना संयुग्मी करने के बाद वही चीज़ दुर्बल हो जाता है, अगर कोई चीज़ दुर्बल है तो संयुग्मी निकालने के बाद उसका प्रबल बन जाता है, बस ये खास बात है। यहाँ पर आपका संयुग्मी अम्ल क्षार खत्म होता है,
अब जो हमने चार की लास्ट अवधारणा है वह लुईस अवधारणा, और इसको भी देखकर खत्म करते हैं यहाँ पर। ज्यादा कुछ नहीं है, तो बस ही छोटा सा बच्चा समझ लो, पूरा जो हमने कहानी पढ़ा उसका छोटा सा हिस्सा ये समझ लो। ओके, इसी सुनकर दोस्तों, इसी छोटे बच्चे के नाम सुनकर एक डायलॉग याद आ गया, बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हो। छोटी बच्चे हो क्या? चलो हो गया एंजॉय। आप देखो लुईस अम्ल एवं लुईस क्षारक किसे बोलते हैं, बात ही समझ में आई। लुईस अम्ल, अम्ल मैंने कि एसिड, एसिड मतलब कि एक्सेप्ट, बस काम खत्म। बस लुईस मतलब होता है दोस्तों लोन पेयर, लुईस यानी कि लुईस के एल से लोन, लोन पेयर प्यारे बच्चों, यानी कि जो लोन पेयर को ए से एक्सेप्ट करेगा उससे हम क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल बोलेंगे, और लोन पेयर को जो रिजेक्ट कर देगा यानी कि भाई साहब दे देगा दान में, उसके पास बहुत ज्यादा है लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लुईस क्षारक बोलेंगे। बस इसका उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, लक्तान युग में दान करेगा, रिजेक्ट करेगा, तो उसे लुईस क्षारक बोलेंगे। लेकिन इस सबके पास दोस्तों, दोस्तों वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये सभी क्या करेंगे, लेंगे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर लेगा, तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे लुईस अम्ल बोलेंगे। बस ये खत्म हो गया आपका, ये भी खत्म। ओके चलो, तो बस कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाला है हमारा पीएच मान, जो कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स टाइप उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, दो तीन नंबर का एग्जाम में पूछा गया है कई बार, पीएच मान निकालो इस यौगिक का। तो पीएच मान बस चंद मिनटों में आने वाला है प्यारे बच्चों, उसके पहले के एच, के ए एवं के बी क्या होता है ये आपको पता है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ रट्टे वाली कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। के ए क्या होता है, के ए से मतलब होता है एसिड, और यहाँ पर बी से मतलब होता है बेस। ओके, यानी कि अगर आप दोस्तों कॉन्स्टेंट लिखोगे, अगर आप साम्यावस्था स्थिरांक लिखोगे प्यारे बच्चों, किसी भी एसिड के लिए, किसी भी बेस के लिए, तो उसी को हम के ए के बी कहते हैं, स्थिरांक। ओके, जैसे ये एसिड है आपका यहाँ पर HA, तो ये एसिड है, तो भाई साहब जल में डालेंगे तो ये H प्लस A माइनस आयन देगा। अगर आप इसके लिए दोस्तों के A का मान लिखो, तो आप कहोगे सर H प्लस की सांद्रता, आगे वाली चीज़ों की सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान बटे पीछे जो है उसका सक्रिय द्रव्यमान। तो आपने जो साम्यावस्था स्थिरांक लिखा ना किसी भी अम्ल के लिए, तो उसे हम के A बोलेंगे प्यारे बच्चों, जिसे वियोजन स्थिरांक यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि भाई टूट रहा है तो वियोजन स्थिरांक भी कहते हैं। और यहाँ पर कि इस खास बात यह है कि के ए का मान दोस्तों जितना ज़्यादा होता है, अम्ली प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होती है किसी भी एसिड की। ओके, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि बताओ के ए दोस्तों एक यौगिक का क्या है, दोस्तों 7 है, लेकिन किसी दूसरे यौगिक का, कोई यौगिक ए है इसका के ए 7 है, कोई यौगिक आपका बी है दोस्तों दूसरा यौगिक उसका के ए क्या है 9 है, तो बताओ प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल इसमें से कौन होगा दोस्तों, आपको भी सर किस, जिसका के ए ज़्यादा उसका अम्ली प्रबलता ज्यादा है, यानी कि आपका जो बी वाला है यह दोस्तों प्रबल अम्ली होगा। ओके, बस ये है छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर वीडियो में कंप्लीट हम आपको बता रहे हैं ना, इसलिए आप देखो के बी क्या होता है, किसी क्षारक के लिए अगर आप दोस्तों साम्यावस्था स्थिरांक लिखोगे, तो ये क्षारक हो गया, तो क्षारक OH- आयन देगा, और ये बी प्लस हो गया, इसकी सांद्रता लिखे दोस्तों हमने लिखा कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम, तो ये हमारा हुआ, तो ये के बी हो गया, और के बी हमें वह जस्ट अम्ल की तरह वही बताता है, के बी जितना ज़्यादा अम्ली प्रबलता भी उतनी ही ज़्यादा। ओके, सेम टू सेम। अब बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर पीके के बारे में, पीके का मतलब होता है कि माइनस का लॉग ऑफ के ए। ओके, और पी के बी का मतलब होता है माइनस का लॉग ऑफ के बी। ओके, तो ये छोटा मोटा लिख देता है एग्जाम में पी के ए, तो पी के ए मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पूछेगा एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे सर, पी के ए मतलब कि माइनस का लॉग ऑफ के ए, यानी कि जो के ए है ना उसको ऋणात्मक लघुगण के अंदर डाल दो, जो माइनस का लघुगण लिखो और उसके अंदर के ए को डाल दो, तो पी के आएगा। और इसी तरह पी के बी मतलब कि ऋणात्मक लघुगण लो, यानी कि माइनस का लॉग लो और उसके अंदर के बी को डाल दो, तो आपको पी के बी आएगा। और इसी तरह हमने आपसे पूछा बच्चों कि बताओ पी एच क्या होगा, तो आपको क्या करना है, माइनस का लॉग के अंदर इस एच प्लस को डाल देना है प्यारे बच्चों, तो आपका मिल जाएगा किसी भी यौगिक का पी एच मान, यही से निकल कर आया प्यारे बच्चों, पी एच मान किसी भी यौगिक क्या होगा, किसी भी यौगिक का पी एच मान माइनस का लॉग ऑफ इस एच प्लस को अंदर डाल दो लॉग के अंदर, तो आपका पीएच मान निकल कर आता है प्यारे बच्चों। इस तरह पीएच मान का जन्म हुआ, और यहां से पीएच मान हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी यौगिक का पीएच मान। ओके, जहां पर इसका परिभाषा पूछे पीएच मान क्या होता है, तो आप लिख देना कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगण ही आपका क्या कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। ओके, तो यहां पर पीएच मान बस इतना ही था, खत्म। बस क्वेश्चन आपको देखना है यहां पर, ताकि एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है कि पहला वाला कि ये है HCl, HCl का देखो सांद्रता की बात करें, तो HCl की जो सांद्रता है वह देखो कितनी है, 10^-3 मोलर था। ओके, 10^ ये ऊपर जाएगा, माइनस का 3 मोलर था है, तो इसका पीएच मान पूछा है, तो पीएच मान हम कैसे लिखेंगे,
तो पीएच मान आपका सिंपली हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ एच प्लस की सांद्रता इसमें डाल दो, जो हमारा है 10^-3। ओके, तो यहाँ से पीएच मान आपका दोस्तों ये सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। ओके, अब हम देखने वाले समायन प्रभाव को, बस खत्म ही होने वाला आपका ये चैप्टर। ओके, तो बस कुछ ही चीजें बची हुई हैं, इसको भी देखते चलते और खत्म करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर, और बोलते हैं जय हिंद जय भारत। तो देखो समायन प्रभाव यह है, क्या प्रभाव है देखो, याद करना बिल्कुल भी नहीं है। समायन यानी कि जब हम क्या होता है समान आयन हो जाते हैं, जब हमारे दोस्तों किसी यौगिक में समान आयन हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं समान आयन प्रभाव बोलते हैं। इसका परिभाषा आप वो और भी आसान लगेगा आप कि जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट के विलयन में दोस्तों सम आयन मिलाते हैं, आपका पहले से कोई विलयन था दुर्बल विद्युत अपघट का, उस विलयन में आपने दोस्तों क्या करा समान आयन मिला दिया, समान आयन मिला दिया, जो आयन पहले से था वही आयन दोबारा मिला दिया, तो दोस्तों उस आयन उस ऐसे ऐसे करने से क्या होता है ना, जो जो विद्युत अपघट है इसकी आयनन की मात्रा क्या हो जाती है कम हो जाती है, ये पॉइंट आप अंडरलाइन करिएगा, आयनन की मात्रा कम होती हो जाती है, और इसी को ही हम बोलते हैं सम आयनन प्रभाव। बस खत्म। देखो एग्जाम्पल आपको कराते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह बनता है, जैसे आपका एग्जाम्पल में ले लो दुर्बल विद्युत अपघट, आपका एग्जाम्पल में ले लिया CH3COOH। ओके, ये दुर्बल विद्युत अपघट है, इसमें हमने क्या किया ना समान आयन मिला दिया, समान आयन जैसे कि इसमें कौन सा आयन है, एक आपको सर माइनस CH3COO- है और यहाँ पर H+ है, तो इसमें हमने समान आयन मतलब कि CH3COONA मिला दिया। ओके, इसमें भी आपका ये माइनस होगा ये प्लस वाला होगा, तो यहाँ पर भी आयन है समान, यहाँ पर भी आयन समान है, तो सम आयन प्रभाव होगा, तो इससे क्या होगा ना जो CH3COOH आपका है ना इसकी आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों कम हो जाएगी। ओके, ये हो गया समायन प्रभाव का एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हो गया कि इसी प्रकार अगर HCl है, HCl में दोस्तों आपका H+ है और Cl- है, इसकी उपस्थिति में आपने H2S दोस्तों मिला दिया। ओके, इसकी उपस्थिति में आपने H2S को मिलाया तो H2S में भी आपका दोस्तों H+ आयन होता है, तो यहाँ पर भी H+, यहाँ पर भी H+, तो सम आयन प्रभाव के कारण दोस्तों ये प्रबल है ये दुर्बल है, तो दुर्बल का दोस्तों जो है जो दुर्बल है उसकी आयनन की मात्रा आपकी कम हो जाएगी। ओके, ये एक और एग्जांपल हम सम आयन प्रभाव के बाद बफर विलयन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, छोटा सा है बस। ओके, तो इसको समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है प्यारे बच्चों। ओके, तो इसको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमारे बफर विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें अम्ल तथा क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दोस्तों परिवर्तित नहीं होती है, उन्हें आपको क्या बोलना है बफर विलयन कहना है। एक ऐसी विलयन हमने पाया दोस्तों जिसमें मान लो ये विलयन है, इसमें H+ आयन की सांद्रता ये है। ओके, हमने क्या किया इन सभी विलयन में क्या किया ऊपर से कोई, तो इसी विलयन में हमने कुछ मात्रा में दोस्तों कुछ मात्रा में अम्ल एवं क्षार क्या किया ऊपर से ऐड किया, लेकिन ऐड करने के बाद भी क्या हुआ ना जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है यह दोस्तों वही की वही रही, ये क्या है वही रहती है, बदलती नहीं है। तो दोस्तों ऐसे विलयन को हमने नाम दिया क्या बफर विलयन, और ये दो तरह के विलयन होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है प्यारे बच्चों अम्ली बफर, एक होता है आपका अम्ली बफर। ओके, और एक होता है आपका क्षारी बफर। ओके, क्या नाम है इसका क्षारी बफर। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अम्ली बफर कैसे हम लिखेंगे, अम्ली बफर में क्या करना है ना आपको एक दुर्बल अम्ल लेना है, दुर्बल अम्ल ले लिया और उसी के साथ इसका हम क्या ले लेंगे साल्ट ले लेंगे। पहले क्षारी बफर में क्या करेंगे दुर्बल क्षार लेंगे हम और इसी के साथ हम क्या ले लेंगे इसका साल्ट ले लेंगे, बस काम खत्म। ये हो गया हमारा अम्ली बफर क्षारी बफर। एग्जाम्पल भी बताइए सर, देखो दुर्बल अम्ल आपको पता है क्या है CH3COOH है हमारा, इसका साल्ट ले लेंगे तो भाई H को हटाकर साल्ट का Na लगा दो CH3COONA, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका बताएं तो दुर्बल क्षार हमारा होता है NH4OH और इसी का साल्ट लेंगे तो भाई यहाँ Na लगाएं यहाँ Cl लगा देंगे NH4Cl, तो ये एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया बफर का। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए बफर विलयन क्या है, इनके दो प्रकार को भी देख लीजिए एग्जाम्पल के। सेकंड चीज हमारा होता है दोस्तों वह विलयता गुणनफल आखिर क्या है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है विलयता गुणनफल जिसको KSP से बोलते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, KSP क्या होता है किसी भी विद्युत अपघट के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल ही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है विलयता गुणनफल कहलाता है बस। ओके,
कोई भी आपका संतृप्त दोस्तों व्यकुत अवघट है, ओके, उसमें उसके अंदर जो जो आयन है, जो जो भी आयन है उसकी सांद्रता के गुणनफल कर दो तो आपको केएसपी का मान मिल जाएगा। जैसे आपका AgCl है, AgCl में दोस्तों कौन कौन से आयन है, Ag प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। तो अगर हमने आपसे पूछा कि बताओ केएसपी क्या है, तो भाई इन्हीं आयनों की सांद्रता आप लिख लो, Ag प्लस की सांद्रता ले लो एवं Cl माइनस की सांद्रता ले लो और इनका गुणनफल कर दो तो आपको केएसपी का मान आपको मिल जाएगा, ओके। अब एग्जाम्पल में आप कर देते हैं, ये जो AgCl है इसकी मान लो दोस्तों सांद्रता क्या है, सांद्रता एग्जाम्पल की ओर हम सांद्रता मान लेते क्या है इसकी, S मान लो, S आपका कोई वेरिएबल हो गया, S इसकी सांद्रता है, तो ये भी S होगा, टूटेगा तो ये भी S बनाएगा, ये भी S बनाएगा, टोटल इसको भी S रखो, ये भी S रखो, कि S गुड़े S आपका दोस्तों केएसपी का मान S स्क्वायर आ जाएगा। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको कि निम्नलिखित के लिए विलेयता दोस्तों S मोल है, निम्नलिखित की जो विलेयता है S मोल है सबका, आपका S मोल है, तो आपसे पूछा है तो केएसपी का मान आपको निकालना है, विलेयता गुणनफल की मान आपको निकालना है, ओके। तो चलिए करते हैं सिंपली, पहले तो आपको पता करना होगा इसमें कौन कौन से आयन है, ओके, फिर उनकी शक्ति द्रव्यमान जो है या सांद्रता बोले उनका गुणनफल आपको करना है। ये टूटेगा किस किस चीज़ में दोस्तों, ये टूटेगा Mg प्लस टू में और दो OH माइनस है, दो OH है तो ये 2OH माइनस में टूटेगा प्यारे बच्चों, ओके। अगर ये ऐसे तो ये भी S होगा और ये S होगा लेकिन दो टाइम्स है तो ये 2S हो जाएगा प्यारे बच्चों, दो है ना, दो लिखा है ना, दो दो ऐसे ही होगा। तो अब इसकी केएसपी का मान हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यही लिखेंगे Mg प्लस 2 का शक्ति द्रव्यमान गुणे में यहाँ पर OH माइनस का शक्ति द्रव्यमान और ये जो गुणे में है इसको घाते में लिख देना है, ओके। यही हम पढ़ते हैं शुरू से यही पढ़ रहे हैं, हाँ। अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपली सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर Mg का जो विलेयता है S है गुणे में ये OH माइनस का देखो 2S है और इसका स्क्वायर सिंपली S गुणे दोस्तों 4S स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4S क्यूब आ जाएगा दोस्तों आंसर, ओके। इसका करेंगे तो इसको ये किसकी टू चीज में टूटेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर दो बार क्या है Sb है तो दो बार Sb टूटेगा और तीन बार आपका सल्फर है, तो प्यारे बच्चों तीन बार आपका सल्फर टूटेगा और ये प्लस 3 रहेगा इस पे चार्ज, जो यहाँ पर है यही इस पे चार्ज चला जाएगा और जो यहाँ पर है यही चार्ज इस पे आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 था तो Mg पर प्लस 2 आया, ओके, यहाँ पर 3 था तो Sb पर ये प्लस 3 बन जाएगा और ये 2 है तो इस पे माइनस का 2 बन जाएगा, ओके। अब इसकी विलेयता S है तो इसका भी S होगा लेकिन 2 है तो 2S होगा, इसका भी S होगा लेकिन ये 3 है तो 3S होगा। केएसपी का मान लिखेंगे तो सिंपली भाई साहब दोस्तों Sb का शक्ति द्रव्यमान Sb प्लस 3 का शक्ति द्रव्यमान और ये जो गुणे में है 2 इसके घाते में, गुणे में प्यारे बच्चों आपका जो है यहाँ पर S माइनस टू का शक्ति द्रव्यमान और जो गुणे में है ये इसके घाते में चला जाएगा प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप तो कर ही सकते हो, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर Sb प्लस 3 का सांद्रता 2S है, इसका स्क्वायर लिखोगे कूड़े में 3S का आप क्या लिखोगे क्यूब लिखोगे प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर 3 का क्यूब होता है 27, 2 का होता है 4, 27 कूड़े 4 होता है आपका 108 और ये S का क्यूब S का स्क्वायर S के पावर 5 आपका दोस्तों ये होगा फाइनल आंसर। इसका करेंगे तो इसका आंसर आपका होमवर्क के प्यारे बच्चों ये आपको करना है अभी रफ कॉपी में और इसका आंसर आप खुद से करिएगा, करेंगे तो आपका दोस्तों वही आएगा 4S क्यूब, ओके ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये फिनिश होता है, इन सभी पेनों की सहायता से आपके हेल्प से हमने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया प्यारे बच्चों, ओके। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ मिलेगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाइएगा प्यारे बच्चों, ओके। पहले हम पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत दिखाना चाहते हैं आपको इस पेपर को अच्छी तरीके से, ताकि आप देखो जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों सब कुछ एग्जाम में आता है, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड से हो। पहले इस पेपर को हमने डिस्कस कर चुका है अपने चैनल एजुकेशन फॉर बोर्ड्स पर, ओके, और लिंक इस पेपर का डिस्कशन बॉक्स में है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सब कुछ पूछा है, अम्ल एवं क्षार, देखो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, I2 दोस्तों इसके लिए साम स्थिरांक किसी का मात्रक पूछा है, आप नहीं निकाल लोगे सिंपली। यहाँ पर देखो संयुग्मी अम्ल पूछा है, तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, ओके, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, सब पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बताइए, वेग स्थान साम स्थिरांक में देखो अंतर पूछा है यहाँ पर प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखो केपी एवं केसी संबंध स्थापित किए, चार नंबर का आया हुआ है, ओके, इसके लिए साम स्थिरांक का गणना करना है प्यारे बच्चों सिंपल। शक्ति द्रव्यमान, ध्वनि प्रतिक्रिया के नियम, ऑस्टेल का तनुता का नियम, जल का आयनिक गुणनफल, ओके, ये सब चीजें क्या पूछी गई है प्यारे बच्चों, सब कुछ हम जो पढ़े। ला शीतले का सिद्धांत लिखिए, इसके द्वारा निम्नलिखित अभिक्रिया पर ताप दाब सांद्रता का प्रभाव बताइए, ओके। यहाँ देखो सम आयन प्रभाव जो हमने पढ़ा दोस्तों वो भी पूछा गया है, ओके, और देखो बफर विलयन दोस्तों ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया, हमने क्या पढ़ा नहीं है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है एक ही वीडियो में,
उसके बाद आपका है यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर पीएच मान कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है विलियन का, तो पीएच मान भी हमने पढ़ लिया है। ओके देखो अगर आप पूरा नंबर जोड़ोगे तो 45 तक आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व जरूर करिएगा। कोई भी डाउट फंसे दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी एजुकेशन सत्र पर जाकर मैसेज करना, उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको समझाते हुए वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे उसी मैसेज में। ओके ठीक है, कोई भी पर्सनल डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे ही हमें से पूछा करें तो हम आपको पर्सनली रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पर तो हम आपके लिए है ही, वहाँ पर आपको सब कुछ आपको मिलता है, नोट्स भी मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, पेपर्स के भी नोट्स हम आपको देते हैं। कोई भी अर्धवार्षिक परीक्षा होता है जस्ट हम आपको उसका पीडीएफ दे देते हैं कि आप खुद से भी देखो क्या पूछा गया है वहाँ पर परीक्षा में। ओके तो आप जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप बहुत इतना तो आप कर ही सकते हो, आपके लिए इतना तो आपकी दोस्तों कर ही सकते हो, हमने इतना मेहनत किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर प्रेस करें, लाइक करना ना भूले प्यारे बच्चों, और शेयर तो जबस अवश्य करना है, उन बच्चों तक शेयर करना है दोस्तों जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कोचिंग नहीं जा पाते, अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक शेयर क्या पता दोस्तों उनको फेल होने से बचा दे, उनको यह खुशी हो कि यार हम स्कूल नहीं जाते, कोचिंग नहीं जाते, फिर भी यूट्यूब से ही हम सही अच्छा कॉन्टेंट हमें मिलने लगा और वो भी पढ़ सके प्यारे बच्चों, क्योंकि शिक्षा हर एक का अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ओके तो ये आपका दायित्व है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को प्यारे बच्चों। तो आप करते हैं आपसे यहीं पर लेते अलविदा, बहुत ही खुशी है आपके साथ इतना यहाँ तक पहुँच कर, बहुत ही टाइम लगा, पूरा चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और भी कोई वीडियो आपको चाहिए किसी चैप्टर पर एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस चैप्टर पर हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। ओके कमेंट्स आपके लिए ही है, कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। लेट्स अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद जय भारत।